सो हर हर महादेव दोस्तों। सो दोस्तों, डेट है आज 23 अप्रैल 2023, टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे और हम निकल रहे हैं अपनी ऋषिकेश से सोनप्रयाग की राइड के लिए। ये अपनी बाइक खड़ी है, सामान हो चुका है, सारा लगेज अभी लोड करूंगा बाइक के ऊपर, फिर निकलेंगे फटाफट। 5:30 बजे है, वो दिन हो जाएगा। मैंने दिन होने का वेट किया क्योंकि पहाड़ों में रात को चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो देख सकते हैं दिन भी होने वाला है। तो फटाफट अपना सामान लोड करते हैं और चलते हैं अपनी राइड की ओर। अब लगभग हम वैसे तो 5.5 घंटे का सफ़र दिखा रहा है, 200 किलोमीटर का जो सफ़र है हम तय करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले डलवा लेते हैं पेट्रोल। तो मैं यहाँ पे डलवा रहा हूँ पावर पेट्रोल। तो यहाँ पे पेट्रोल की दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थी, नॉर्मल पेट्रोल भी, पावर पेट्रोल भी। बट यहाँ पे अभी हम काफ़ी लंबा और पहाड़ों वाला सफ़र करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने पावर पेट्रोल डलवा लिया और उसके बाद फटाफट हम अपना लोड करते हैं बाइक पर सामान। तो आज के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो अपना सामान है वो बाइक पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लोड करना है, क्योंकि आज जो सफ़र रहने वाला है वो पहाड़ों का रहने वाला है। तो बाइक ना बहुत ज़्यादा घूमेगी, बहुत ज़्यादा झटके भी पड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ही यही रहेगा कि बाइक के जो सामान है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से, दिमाग से और टाइट टाइट बांधिए। तो मैंने यहाँ पे आधा घंटा लगा के पूरे दम से बहुत टाइटली बैग को बांधा है। तो आई होप मेरे सफ़र में बैग तो सामान बिल्कुल भी ना हिले। तो गाइस, अपना जो सामान है वो अच्छी तरह से वो लग चुका है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सामान अच्छे से लगाने की ज़रूरत थी। मेरे बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है, बस ये बॉटल को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली जो अपना हर हर महादेव दोस्तों, दोस्तों सामान फाइनली पैक हो चुका है। टाइम हो रहा है 5:40, मुझे पूरे 40 मिनट लग गए सामान को अच्छे से बांधने में, लेकिन ये ज़रूरी था। टैंक देख सकते हो फुल है। कल मैंने रात को ही 700 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया था, क्योंकि पिछली बार आपको याद है ना, जब मैं घर से निकल रहा था मेरे साथ क्या हुआ था, तो मेरे को पेट्रोल ही नहीं मिल रहा था। तो अब हम तपोवन से निकल रहे हैं लक्ष्मण झूला के पास से। सामान अच्छे से पैक है, बैठने के लिए जगह भी सही है। तो देखते अब कैसा रहेगा सफ़र। तो महादेव कृपा करो, सामान बस मेरा ना हिले। मेन तो मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, सामान नहीं हिलना चाहिए बस। वैसे पता मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया, 30-40 किलो का। तो मतलब ऐसे मान लो कि एक राइडर और पिलियन दो जन जा रहे हैं विदाउट लगेज। अगर आप दो जने तो यार बिल्कुल जा ही नहीं सकते, क्योंकि इतना लगेज लगा के मेरे पास पीछे पिलियन बिठाने को तो जगह ही नहीं है। लक्ष्मण झूला वाली मार्केट है, दिन में यहाँ पे आपको पता ही है कितनी भीड़ रहती है। वैसे अभी देख सकते हैं 5:40 ही हुए, लेकिन दिन अच्छा खासा हो गया है, ठंड भी अच्छी खासी है ही है। टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 17-18 डिग्री ही है, तो मैंने ऑलरेडी गर्म कपड़े डाल रही हैं। तो फ़ायदा ये होगा कि दिन में यहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, लेकिन जब तक यहाँ पर धूप होगी तब तक तो मैं ये गर्मी वाला इलाका क्रॉस कर चुका हूँ और देवप्रयाग के आसपास पहुंच जाऊंगा। तो तब मुझे ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो है ठंड होती है। तो ये अब हम यहाँ से ऋषिकेश से आपको देखना है कि इधर वाली साइड बद्रीनाथ केदारनाथ वाली साइड मुड़ जाना है। वैसे यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, लेकिन आपको देवप्रयाग वाला रास्ता जो है ना, हाईवे वाला, वो चुनना है, NH7 रास्ता। आपको बाकी तो दिख ही रहा है, बस मेरा यार सामान ना हिले, मुझे सामान की आवाज़ें तो आ रही है। सामान सही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप ऋषिकेश से बाहर निकल रहे होंगे ना, तो आपको ये वाला बोर्ड देखना चाहिए, ठीक है। ऋषिकेश से बाहर निकलते आपको यहाँ पे देखिएगा केदारनाथ, यहाँ से 223 किलोमीटर, बद्रीनाथ 291 किलोमीटर, ठीक है। फाइनली आप ऋषिकेश से बाहर निकल चुके हैं और अपना जो मेन रास्ता है वो शुरुआत हो चुकी है। तो आपको मैं पूरा रास्ता दिखाऊंगा, A to Z कैसे रहने वाला है। ये ऋषिकेश से स्टार्ट हो रहा है रास्ता, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें आती जाएंगी आपको सब दिखाता जाऊँगा। तो वीडियो को फॉलो करना है, मतलब चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी नई नई वीडियो और पूरा सफ़र आप देख पाएँ। तो इस रास्ते में आपको शिवपुरी वगैरह भी देखने को मिलता है। रास्ता ही तो ये वाला रास्ता तो काफ़ी अच्छा है वैसे। तो जहाँ पे आपको टूटे हुए, मतलब जहाँ पे टूटे हुए रास्ते आएंगे ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाऊंगा। जहाँ तक आपको वीडियो में मतलब रास्ता नहीं देखने को मिलेगा, तो समझ आइएगा कि वो रास्ते साफ हैं। तो आपको स्पेशली मैं फोकस करूँगा उन रास्तों पर जहाँ जहाँ पर टूटे हुए हैं, या जहाँ जहाँ पर मुझे दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पूरे 200 किलोमीटर शूट करने तो मेरी जो फ़ोन की बैटरी और किलोमीटर है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट फिर मैं ट्राई करूँगा जितना आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह सब लोग शायद मस्त यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है आज, ठंडा तो है ही। सुबह तो बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, जब मैं यहाँ पे सामान पैक करने आया था मैंने सोचा कि इतनी हवा चलेगी तो सामान तो वैसे ही हिलता रहेगा, लेकिन भैया सुबह के टाइम चलती है, क्योंकि अभी टाइम ही सिर्फ 5:30 या 6 बज रहे हैं, 6 भी नहीं बजे अभी, तो देख सकते हैं 5:45 ही हुए हैं। तो जैसे जैसे दिन होता जाएगा वैसे वैसे हवा गायब होती जाएगी और धूप आती जाएगी।
यहाँ पे हम देख चुके हैं कि यहाँ पे हम नीर वाटरफॉल के पास पहुँच चुके हैं। अगर आपको नीरगढ़ वाटरफॉल आना है तो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। यहीं से क्यारकी का रास्ता है, नीर वाटरफॉल से 2 किलोमीटर ऊपर जाके क्यारकी विलेज है, जहाँ से सनसेट बहुत अच्छा देखता है, तो वो सनसेट पॉइंट है। तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जो एक्सीडेंट है वो हो रखा है, देख सकते हो कैसे कि पूरा का पूरा ट्रक पलटा है। शायद साइड में ना बहुत सारी जगह है यहाँ पे, तो ड्राइवर से कंट्रोल नहीं हुई और उसने वहाँ साइड में घुसा दिया, जिसके कारण देखो पूरा पलट गया। तो यहाँ पे ऐसे कुछ हादसे होते रहते हैं और लैंडस्लाइड भी यहाँ पे उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। इतनी लैंडस्लाइड वगैरह हिमाचल वगैरह में नहीं होती, लेकिन उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी जो एरिया है पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, तो आपको थोड़ा सा आसपास और मतलब ऊपर नीचे सब जगह अपनी नज़र रखनी है, ताकि अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस दिखे कि पत्थर हिल रहे हैं या हवा ज़्यादा तेज है, कुछ नीचे आने वाला है, तो वहीं रुक जाए या तेज़ हो जाए, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुरी है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गौरीकुंड 200 किलोमीटर है, श्रीनगर 91 किलोमीटर है। तो हमारा जो पहला स्टॉप रहेगा 100 किलोमीटर के बाद अप्रॉक्सीमेट, मैं सोच रहा हूँ कि जो पहला स्टॉप लूँगा वो श्रीनगर जाके लूँगा। श्रीनगर कश्मीर वाला नहीं यार, श्रीनगर एक उत्तराखंड में भी है, ये बात का ध्यान रखना। मैंने भी एक बार पढ़ा, जब मैंने पहली बार पढ़ा कि श्रीनगर, मैंने सोचा श्रीनगर यहाँ सिर्फ 91 किलोमीटर है क्या, तो फिर उसके बाद पता लगा कि नहीं, उत्तराखंड का श्रीनगर अपना अलग है। ये जो जगह ये ब्रह्मपुरी है, यहाँ से अगर आप जाएंगे ना तो ये रास्ता नीलकंठ महादेव को जा रहा है। अगर आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जो ऋषिकेश में, तो आप यहाँ इस वाले रास्ते से मुड़ सकते हैं। ये जगह है वो ब्रह्मपुरी है, जो यहाँ पे राफ्टिंग होती है ना ब्रह्मपुरी वाली, वो यहाँ से होती है, जो कि 9 किलोमीटर की रहती है। कहने के लिए 9 किलोमीटर है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वो 6 किलोमीटर की रहती है। उसका प्राइस रहता है 600 से 700 रुपये। यहाँ पे कुछ चेक पोस्ट वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे आप चेकिंग करवाते हुए जा सकते हैं आराम से। आज तो मैं कट भी नहीं मार सकता, क्योंकि साइडों में सामान बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो मुझे अपने लिए भी जगह, गाड़ी जितनी जगह बना के चलनी पड़ेगी कि आप व्यू चेक कर सकते हो। तो इन सड़कों पे चलाने का भी, बिना ट्रैफिक पे चलाने का तो यार बहुत मज़ा आ रहा है। दिन में जब यहाँ पे ट्रैफिक हो जाएगा ना, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी अगर ऐसी खाली सड़कें मुझे मिलती रहे ना, तो मज़ा ही अलग है। तो दोस्तों शिवपुरी आ चुका है, ये राफ्टिंग का दूसरा पॉइंट है जहाँ से राफ्टिंग होती है। यहाँ पे ना कैंपिंग वगैरह भी होती है रिवर साइड, और शिवपुरी के जो बीच हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो लोग यहाँ पे राफ्टिंग करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे ला जाता है। और शिवपुरी में ना काफ़ी सारे जैसे वो भी है थ्रिल फैक्ट्री, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, अब ये वाला थ्रिल फैक्ट्री भी है, पेंट बॉल वाली भी है। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहें ना अंदर, इस वाले रास्ते से अंदर जाके थ्रिल फैक्ट्री है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप शिवपुरी में आते हैं ना राफ्टिंग करने या घूमने फिरने, तो यहाँ पे ये थ्रिल फैक्ट्री में ज़रूर आना। यहाँ पे आपको कई काफ़ी सही रेट में ना एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो जाती है। मैंने पिछली बार यहाँ पे की थी रिवर्स बंजी जंपिंग, 1500 रुपये पर पर्सन थी, और इतनी यार मतलब एडवेंचरस थी ना कि चलो मेरी तो फटती है, तो मेरे लिए तो बाद में मुझे तो बहुत अलग मतलब ऐसे उल्टी टाइप लग रहा था, लेकिन जिन लोगों को उल्टी वगैरह नहीं आती, मोशन सिकनेस नहीं है, उनके लिए तो बहुत सही है यार, मतलब उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो हम लगभग शिवपुरी पहुँच चुके हैं। शिवपुरी का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का है, तो 15 किलोमीटर हमारी जर्नी के जो है तय हो चुके हैं। यहाँ से बाईपास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, सारे रास्ते ही बिल्कुल साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शिवपुरी बाईपास है जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो गाड़ियाँ लगी दिख रही है ना, ये सारी शिवपुरी बीच पे कैंपिंग के लिए आए हुए हैं, इसलिए आपको गाड़ियाँ दिख रही है। वो सामने शिवपुरी बीच है, यहीं से जो राफ्टिंग का पॉइंट है आपको नीचे लेके जाएंगे, और यहीं से राफ्टिंग स्टार्ट होती है। फिर आपको राम झूला या लक्ष्मण झूला, जो भी आपका एंडिंग पॉइंट है, वहाँ पर छोड़ देते हैं। यहीं पे बीच पे नीचे देख सकते हैं आपको कैंप्स वगैरह भी दिख रहे होंगे। तो ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी कैंपिंग के लिए, सब लोग आए हुए थे। तो अगर आप भी बीच साइड कैंपिंग करना चाहते हैं ऋषिकेश में, तो आपको यहाँ पे शिवपुरी में मिल सकती है। 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन का प्राइस रहता है आपका, जिसमें आपकी कैंपिंग होती है, और उसमें आपको खाना पीना मिल जाता है, मतलब दोपहर का लंच, रात का डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट, और 3 टाइम का खाना मिलता है, और आपको सोने के लिए एक टेंट मिलता है। तो 1000 से 1500 रुपये का रेट रहता है। अगर आप 4 शेयरिंग वाला ले रहे हैं तो 1000 रुपये रहेगा, ट्रिपल शेयरिंग वाला ले तो 1200 रहेगा, डबल शेयरिंग ले रहे हैं तो 1500 रुपये रहेगा। ऐसे कुछ यहाँ पे जो कैंपिंग के रेट्स वगैरह हैं। अगर आपके पास अपना कैंप है तो आप यहाँ पे अपना कैंप भी डाल के रह सकते हैं, वैसे तो वो मना करते हैं, लेकिन अगर आप मतलब अपने रिस्क पे थोड़ा सा आगे जाके अलग सा रहना चाहते हैं तो वहाँ पे डाल के रह सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके कैंप के पास डालेंगे तो आपको नहीं डालने देते। मैंने भी सोचा था यहाँ कैंपिंग करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा जो गोल था वो केदारनाथ है, तो वो पूरा करेंगे। उसके बाद अगर शिवपुरी वापस आके कैंपिंग करने का मौका मिला तो करेंगे। कैंपिंग का करने का मुझे शौक तो है, मैंने कैंपिंग टेंट ये सब स्लीपिंग बैग इतना सब खरीदा भी है और लेके भी जा रहा हूँ इतना सब बाहर उठा के, लेकिन मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में कैंपिंग की नहीं है। और साथ में मेन बात ये भी है कि सोलो कैंपिंग नहीं की। सोलो राइड तो मैं कर पा रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैंने काफ़ी बार मतलब मैं घूमता तो रहता ही हूँ,
तो सोलो राइड ये जो लॉन्ग राइड है वो तो मैं कर पा रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप बोलते ना कि जो कैंपिंग, वो जैसे कि कहीं पे अपना कैंप डाल के रहना, वो सब एक मेरे लिए भी जो है काफ़ी बड़ा टास्क होने वाला है, क्योंकि मैंने सोनप्रयाग या गौरीकुंड में सोचा है कि कैंपिंग करके रहूँगा। लैंडस्लाइड देख सकते हो कितने ज़्यादा होते हैं इस रोड पर, तो मैंने वही सोचा था कि कैंपिंग करके रहूँगा, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर मुझे मतलब मिल गया, क्योंकि मुझे यार मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि पहली बार है तो डर लगता है, और बिल्कुल अकेला हूँ तो वो भी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे मेरे जैसे और बहुत लोग मिल जाएंगे जो कैंप डालने की जगह ढूंढ रहे होंगे सब, तो वैसे लोगों से मैं यूनाइट हो गया तो बहुत सही रहेगा। लेकिन अगर सोलो रहूँगा तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कैंपिंग शायद कर पाऊँ। बाकी देखते हैं आपको वीडियो के एंड तक, आगे वाले एपिसोड्स में पता लगता ही रहेगा सारा कुछ। तो सामने आप ये वाली जो बस देख रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट बस है जो हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए जा रही है। तो जितनी भी गवर्नमेंट, कितनी बड़ी सारी लैंड स्लाइड है यार, मतलब आपको सड़क से बहुत साइड में चलना है। ये जो एरिया है ना, आप देख सकते हैं कि पहाड़ कैसे ब्लास्टों के टूट रखे हैं, इनके ऊपर पेड़ नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। ऊपर से जो पत्थर वगैरह काफ़ी ज़्यादा गिरते रहते हैं, ये देखो ये मतलब पूरे एरिया में हाल ही में कल ही मुझे लगता है लैंड स्लाइड हुई। और अभी अभी है ना जो हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, आपको हवा की आवाज़ तो आ ही रही होगी, बस अभी पत्थर ना गिरे कोई। तो ये जो नज़ारे हैं ना यार, ये ना बस में जाके देखो, वैसे तो मुझे मोशन सिकनेस है इसलिए मैं बस प्रेफर नहीं करता, लेकिन जो लोग बस से जाना चाहते हैं वो लोग बस से भी जा सकते हैं। बस आपको जो लोकल बस मिलेगी ना, जो गवर्नमेंट की बसेज है, वो आपको सिर्फ ऋषिकेश से मिलेगी, ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए जाएगी वो बसेज। लेकिन जो प्राइवेट बसेज है वो आपको हरिद्वार से मिलेंगी। तो अगर आप जैसे प्राइवेट बसेज में जाना चाहते हैं जिनकी टिकट आराम से 1000 से 1200 रुपये तक रहती है, उसमें जाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार से वो सारी बसेज मिल जाएगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने से आपको वो सारी टिकट वगैरह मिल जाएगी। मतलब अगर आप चाहे तो ऑनलाइन बुक करके भी आ सकते हैं, और बस तो आपको रेलवे स्टेशन पे उतरते ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे लोकल बस में जाना चाहते हैं जिसका किराया 400 से 500 रुपये रहता है, मतलब आप और भी सस्ते में जाना चाहते हैं पैसे बचा के, तो आप गवर्नमेंट की बस में जा सकते हैं। उसके लिए आपको लेकिन ऋषिकेश आना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट की बसेज में थोड़ी सी दिक्कत ये भी रहती है कि वो ना रुक रुक के जाएगी, क्योंकि मतलब वो तो लोकल बस है तो वो रुक रुक के जाएगी। प्राइवेट बस है जो यहाँ से स्टार्ट होकर सीधा वहीं जाके रुकेगी सोनप्रयाग में। तो देख सकते हैं कि आपको कौन सी जो बस है वो अच्छी लगती है। मुझे तो मोशन सिकनेस है इसलिए मैं बस वगैरह में जाना प्रेफर नहीं करता। और ये जो नज़ारे में ले रहा हूँ ना, ये बस में आप ले भी नहीं सकते यार। मतलब बस में अगर आपको विंडो सीट मिल गई और आपको मोशन सिकनेस नहीं है फिर तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको मोशन सिकनेस है फिर आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना इंजॉय मैं कर रहा हूँ, ये हवा मतलब ये ताज़ी हवा को महसूस कर रहा हूँ, ये सड़कों को महसूस कर रहा हूँ, ये रास्तों को देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें मतलब बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। और देख सकते हैं सुंदर सा ब्रिज यहाँ पे, सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एकदम अच्छी मलाईदार सड़कें हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में कवर कर चुका हूँ, 6-15 हुई है लगभग, अब आधे घंटे का जो सफ़र है मतलब वो मेरा हुआ है। डिस्टेंस भी मैंने अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर का तय कर ही लिया। ये ट्रक वाला देखो कैसे रेस लगा रहे हैं यहाँ पे। तो लैंडस्लाइड देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे ना जो नाइट ट्रैवलिंग है वो प्रेफर नहीं की जाती, क्योंकि रात को तो और भी ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि हमको कुछ विजिबिलिटी नहीं होती क्या कब करेगा। देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लैंड स्लाइड है इस रोड पे। तो रात को अगर आप जा रहे हैं तो रात को ये वाला जो रास्ता है आप प्रेफर ना करें, मतलब रात को बाइक वगैरह पे तो बिल्कुल प्रेफर ना करें, गाड़ियों पे भी मैं कहूँगा कि आप प्रेफर ना करें। और अगर हम बाइक करें अपने बाइक की तो देख सकते हैं कि बाइक का अच्छा खासा यहाँ पे मतलब जो चल रही है जोर इतना ज़्यादा अभी तो नहीं लग रहा फिलहाल, अभी मतलब जो एक्सेलेटर है वो पूरा फुल पे ही रहता है हमेशा। लेकिन जो बाइक है अच्छे से चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल जो मैंने घर से आते हुए डलवाया था वो मैंने डलवाया था नॉर्मल पेट्रोल जो रहता है, लेकिन कल मैंने ऋषिकेश से डलवाया पावर पेट्रोल, क्योंकि अभी हमको चाहिए पावर थोड़ी बहुत, तो मैंने XP95 वाला जो पेट्रोल होता है ना पावर पेट्रोल वो डलवाया था। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई देखो आपके सामने शुरू हुई है, तो यहाँ पे अभी तो बस का भी जोर लग रहा है, जो हरिद्वार वाली बस फिर आगे जा रही थी उसका भी जोर लग रहा है यहाँ पे। तो बाइक यहाँ पे अभी सही परफॉर्म कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं कितना बड़ा जो लैंडस्लाइड वाला एरिया है यहाँ पे, अभी तो मुझे लगता है कल एक दो दिन पहले ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। केदारनाथ गौरीकुंड यहाँ से बचा है 178, श्रीनगर बचा है 69। तो धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू हो चुका है, वहाँ पे देख सकते हैं सामने वाले पहाड़ों पे कैसे धूप पड़नी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे घूम के 1-1.5 घंटे में पूरी धूप अपने ऊपर भी आ ही जाएगी। तब तक बस हम अपना आधा सफ़र है जो कम्प्लीट कर ले, श्रीनगर तक पहुँच जाए। बस इसी में बहुत मज़ा आता है, कभी पहाड़ चढ़ो उतरो, उतरने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, चढ़ते वक्त तो फिर भी थोड़ी सी टेंशन रहती है, लेकिन उतरते वक्त भी थोड़ी टेंशन रहती है। उतरते वक्त पैर का जोर लगता है, चढ़ते वक्त हाथ का जोर लगता है, दोनों में ही अपने अपने मज़ा है। लेकिन ऐसा है कि दोनों को चलो एटलीस्ट एक टाइम पे तो रेस्ट मिलता है।
अभी हम पहुंच चुके हैं खोडियाला विलेज में। ये एक छोटा सा गांव है, अगर यहाँ पे आपको जैसे खाना पीना हो कुछ या खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। बाद फिर से हम दोबारा ब्रिज क्रॉस करके हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे गांव आते रहेंगे। अभी लगभग एक घंटा हो गया मुझे चलाते हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं पे रेस्ट लेके बाइक को भी रेस्ट दे देता हूँ, क्योंकि शायद ना मतलब यहाँ पे 100 किलोमीटर वाला जो फंडा अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले मैंने सोचा था कि 100 किलोमीटर चला के फिर रेस्ट दूंगा, लेकिन ये पहाड़ है तो बाइक का जोर है काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इंजन भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि बाइक को मतलब हर एक घंटे बाद चला चला के रेस्ट दूंगा। हर एक घंटे बाद हम 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, तो अभी अच्छी सी स्पॉट देखता हूँ जहाँ पे मैं रुक के रेस्ट ले सकूँ। तो अभी जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी चढ़ रही है, एकदम कहता ऐसे ऊपर देख सकते हैं कितनी हाइट पे हम आ चुके हैं एकदम, मतलब बस पहाड़ के जो ज़्यादा टॉप्स है वो ज़्यादा दूर नहीं बचे, तो एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। पहले दूसरे गियर पे गाड़ी चल रही है, देवप्रयाग है 28 किलोमीटर, श्रीनगर है 63, केदारनाथ है 170 किलोमीटर। तो बोट पड़ते जा रहे हैं, तो पहला हमारा स्टॉप रहेगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जाके हम संगम देखेंगे, उसके बाद श्रीनगर चलेंगे। तो पहले मुझे लगा था कि देवप्रयाग बाद में आएगा, लेकिन जो देवप्रयाग है वो पहले आएगा श्रीनगर से। तो अपन जो अपना पहला स्टॉप है ना आधे घंटा और चला लेते हैं, उसके बाद मतलब क्या आधे 30-40 मिनट में देवप्रयाग पहुँच के फिर वहाँ पर अपना रेस्ट लेंगे। वहाँ पर हम आधा घंटा बिताएंगे, अच्छे से फोटोग्राफी खींचेंगे। अगर टाइम मिला तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे स्नान भी कर लूँ संगम में, बाकी अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो हाथ डाल के देखूँगा पानी में लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे अपने सफ़र पे। तो आप चढ़ाई देख रहे हो, चढ़ाई कितनी खतरनाक है, अपना बाइक आराम से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। इसकी स्पीड अभी वही होगी 20-25 किलोमीटर पर आर, पर अपने को टेंशन नहीं यार, अपने को तो मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है स्लो चल रही है, अपना तो एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाता है और साथ ही साथ अपने को नज़ारे जो वो और भी अच्छे से देखने को मिलते हैं, उसका भी क्या ही फ़ायदा अगर अपन ऐसे सूखते हुए तेज़ तेज जाए तो। लेकिन यहाँ पे ना जो लैंडस्लाइड है ना मतलब भर भर के आ रहा हूँ, इतनी खतरनाक लैंडस्लाइड है ना कि क्या बताओ। तो धूप की पहली झलक है जो अपने ऊपर पड़ चुकी है, और देख सकते हैं आप रास्तों ने भी चमकना शुरू कर दिया। ये देखो कितना बड़ा पत्थर नीचे से मतलब ऊपर से नीचे गिरे, यहाँ से कहीं से भी इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, और ये गाय यहाँ बैठी है इसके ऊपर पत्थर गिर सकते हैं। यहाँ पे जो चेतावनी है वो भी लगी हुई है कि सतर्क रहे सतर्क रहे। सोलो राइड का भी यार अपना ही मज़ा है, वैसे तो लोग सोचते होंगे कि अकेले इतनी दूर जाना कैसा पॉसिबल है ना, तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है यार, कोई बात नहीं। आप मेरी ऑडियंस है जो मैं उनसे बात करता हुआ जा रहा हूँ, नज़ारे देख रहा हूँ साथ में, ठीक है, गाने सुन रहा हूँ, भजन सुन रहा हूँ, भोले शंकर का नाम ले रहा हूँ, अपने आपके साथ टाइम स्पेंड करने का यार इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। लोग सबका ना अपना अपना जो टाइम स्पेंड करने का तरीका है वो अपना अपना होता है। कुछ लोग मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, वो अकेले में बैठ के मेडिटेशन करते हैं आँखें बंद करके। मेरा जो अपने साथ टाइम बिताने का जो तरीका है वो यही है कि बाइक उठा के निकल जाओ, राइड करो कहीं पे आराम से। तो इस समय बस मेरे स्टेट में जो दिमाग में चल रहा है बस यही चल रहा है कि मुझे मतलब बाइक चलानी है ध्यान से, और कुछ ऐसा नहीं है। तो यही मेरा है कि मैं अपने साथ बहुत टाइम बिता रहा हूँ, आज अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं कि मैं अपने साथ 8 से 9 घंटे बिताने वाला हूँ ऐसे ड्राइव करके। सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा लंगूर वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं, लंगूर बंदर। तो ध्यान रखिए कि खाने पीने का सामान आपके मतलब ऐसे बाहर विजिबल ना हो, और इनके पास रुकने की या फ़ोटो खींचने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। और ध्यान ये भी रखिए कि आपके पास पास जो गाड़ियाँ जा रही है वो भी कहीं इनको मतलब खिड़की से बाहर खाना ना फेंक रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे चलते फिरते खिड़की से बाहर फल फ्रूट या मतलब इनके लिए खाना फेंक देते हैं, और फिर ये उसी के लिए मतलब जो वैसे बाइक्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जंप कर देते हैं। तो इन सभी बातों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यार। मैं मतलब इतने अच्छे नज़ारे हैं ना कि मेरा मन ही नहीं भर रहा कि आपको मतलब मैं वीडियो रोकूं, मतलब इतनी ज़्यादा अब हम हाइट पे आ चुके हैं ना कि मज़ा आ रहा है। इतनी यहाँ पे जो एयर है इतनी शुद्ध है, ऊपर से कुछ पहाड़ों पे धूप पड़ रही है इतनी अच्छी, कुछ कहीं पे नहीं पड़ रही, धूप भी चेंज होती जा रही है, कभी सूरज सामने आ रहा है कभी पीठ के पीछे आ रहा है। तो इतने अच्छे नज़ारे हैं कि मेरा मन भी नहीं भर रहा कि मैं मतलब वो करूँ आपके लिए रुकूँ यहाँ पे कि मतलब वीडियो ना बनाऊँ। पहले मैंने सोचा था कि अब देवप्रयाग तक कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतने अच्छे नज़ारे के रुक ही नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे अभी देवप्रयाग से पहले ही मैं छोटा सा जो ब्रेक है वो ले रहा हूँ, स्पॉट अच्छा दिखा फोटोग्राफी वगैरह के लिए वीडियोग्राफी के लिए, तो सोचा छोटा सा ब्रेक ले ही लेते हैं। और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि पहाड़ों में ना दम लगता है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा बाइक वाइक भी चेक कर लेंगे कि सामान वगैरह हिला तो नहीं या कुछ भी। तो ये अपना बाइक, तो ये सामान तो ठीक है वैसे, कुछ भी हिला तो नहीं है, थोड़ा सा उधर के साइड टिल्ट हो गया तो इसको इधर खींच लेंगे, लेकिन कुछ भी हिला तो नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पे। तो अब थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह करा लेते।
तो मैंने अभी फ़ोन को चार्ज लगाया, इसके फ़ोन होल्डर के साथ मैंने चार्जर लगवाया तो था लेकिन अभी तक ये यूज़ करके नहीं देखा। अभी फ़ोन की जो बैटरी है वो 30% ही बची है, तो मैंने सोचा कि चलो इससे अब चार्ज करके देख लेते कि ये भी काम करता है या नहीं। तो हमने जो अपना रेस्ट है वो ले लिया, सारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर ली। अगर आप देखना चाहते हैं क्या फ़ोटोज़ खींची है तो उसको आप देख सकते हैं जाके इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो मुझे लगता है अभी काफ़ी लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं केदारनाथ के लिए, बाइकर दिखने शुरू हुए हैं सबने, मतलब वही है थोड़ा सा जो सफ़र है लेट स्टार्ट हुआ। सुबह तो लगा था कि सिर्फ मैं अकेला ही जा रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, अब काफ़ी लोग दिखने हैं जो वो शुरू हो चुके हैं। देख सकते हैं ये भी सब लोग, मतलब काफ़ी लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं शायद केदारनाथ के लिए। जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा हूँ ना ठंड बढ़ती जा रही है और डिस्टेंस तो चलो कम हो रहा है यहाँ पे। जोशीमठ 203, बद्रीनाथ 246, प्रयागराज 188। यार यार थोड़ी गड़बड़ लग रही है, अभी केदारनाथ नहीं लिखा हुआ था। अभी एक तो मैंने वही मैप नहीं लगा रखे तो मतलब मैं ऐसी बोर्ड्स के भरोसे ही जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे अभी कहीं पर कन्फर्म करना पड़ेगा कि यही रास्ता केदारनाथ को जा रहा है या नहीं। मैप्स के बिना थोड़ा ट्रैवल करना मुश्किल है, बट ठीक है क्योंकि यार अभी ना मेरे पास चार्जिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें है नहीं, क्योंकि सोनप्रयाग में शायद मैं होटल लूँ ना तो मुझे अपनी सभी चीज़ों पावर बैंक वगैरह सब चीज़ों की चार्जिंग बचानी है। दूसरा फ़ोन है वो है तो सही मेरे पास लेकिन उसकी भी मुझे जो चार्जिंग वगैरह बचानी है सब, इसलिए मैं उसको अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब रास्ते थोड़े से आ जाएंगे, मतलब अभी तो एक ही रोड है ना और कोई मतलब बोर्ड वगैरह आया ही नहीं कुछ भी वाला, तो इसलिए मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बाकी ठीक है चलते जाते अभी, क्योंकि बोर्ड तो आया नहीं तो रास्ता गलत तो का ही होगा। तो अब ना पहाड़ों में से बहुत मतलब प्योर पानी भी निकल रहा है, तो अगर आपके पास अगर बॉटल लेना वो कैरी करें, जहाँ भी आपको जल धारा दिखे वहाँ से आप पानी भर सकते हैं और उसको पीते हुए जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध और सही पानी निकलता है जो ड्रिंकिंग वाटर पहाड़ों में से निकलता है, सबसे ज़्यादा वही पीने में सही रहता है। तो पानी की आपको इस रूट के ऊपर तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आराम से आपको पानी वगैरह मिल जाएगा। तो अब थोड़े से पहाड़ है ना जो वो हरे भरे दिख रहे हैं, पहले तो नीचे जो सारे पहाड़ थे वो हरे भरे तो नहीं दिख रहे थे, मतलब सारे से पत्थर वत्थर वाले दिख रहे थे, उसमें लैंडस्लाइड भी थी। यहाँ पे अब थोड़े देखो कि थोड़े पेड़ वाले हरे भरे पहाड़ दिख रहे थे, यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत कम है, मतलब पत्थर बिल्कुल भी नहीं गिरे हुए कहीं पे भी, साइडों पे भी ना बहुत बहुत कम कम पत्थर है। तो वही है यार, मतलब पहाड़ों पे पेड़ों का होना ज़रूरी है ये, मतलब जैसे हम रोड वगैरह बनाते हैं ना उसके लिए पहाड़ों को काटते हैं तो पेड़ दोबारा उगने में 5-6-7-10 साल तक लग जाते हैं, इसलिए लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही ऐसे पहाड़ हो जाएंगे ना हरे हरे उत्तराखंड के दोबारा से, तो लैंडस्लाइड होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो हमको भी यार मतलब सड़कें बनाने के बाद मदर नेचर को थोड़ा सा तो रेस्ट देना पड़ेगा कि ठीक है आप रिकवर करो। NH 58 के ऊपर हम चल रहे हैं और यहाँ पे एक और बोर्ड दिखाता है, देवप्रयाग आपको सीधा जाना है, अगर आपको कुर्न के लिए सीधा जाना है ठीक है, श्रीनगर 58, रुद्रप्रयाग 88, बद्रीनाथ 244, हमको जाना है देवप्रयाग तो हम सीधा ही चले जाएंगे। लगभग और ब्रेक प्रयाग पहुँचने ही वाले हैं, 4-5 किलोमीटर का और बचा है। देवप्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है, बोर्ड पे भी यही लिखा हुआ था। तो बस मेन सिटी है, 4-5 किलोमीटर दूर और बची है। रास्ता तो सही है, नीचे ही जाना है, ये मुझे लगता है संगम वाला पॉइंट है जहाँ से संगम दिख रहा हो। अरे वाह क्या बात है, यहाँ पे सारे बाइकर वगैरह सब रुके भी हुए हैं देख सकते हो सड़क से, तो हम भी यहीं पर साइड में लगा लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ी सी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लेंगे। तो गाइस फाइनली देवप्रयाग पहुँच चुके हैं, बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हो देवप्रयाग संगम, तो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत नज़ारा है। वैसे तो मैं जाना चाहता हूँ संगम में, देख सकते हैं यहाँ पे भी संगम है ना जो पूरा बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता है, तो उसमें यहाँ पे नीचे जाके आप नहा सकते हैं संगम में, यहाँ पे नीचे जाने का पूरा रास्ता है। लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि नीचे जाऊँगा तो मुझे लगभग एक या 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं जाऊँगा सीधा सोनप्रयाग, वापस आते हुए यहाँ पर हम ज़रूर स्नान करेंगे ठीक है। तो ये है देवप्रयाग का संगम देख सकते हो, वहाँ आप नीचे जाके नहा भी सकते हो, उसके लिए नीचे से यहाँ से ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा नीचे जाने में और रास्ता भी नहीं पता, और अभी मैं नहाऊँगा भी नहीं क्योंकि ठंडी पहले ही बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फिलहाल तो यहीं से ऊपर से फ़ोटो वोटो खींच के निकलेंगे, आगे वापस आते हैं यहाँ पर मैं ज़रूर रुकूँगा। तो देवप्रयाग में अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी हो गई, रेस्ट भी होगी, अब चलते हैं हम श्रीनगर की ओर। श्रीनगर यहाँ से 30 किलोमीटर ही है, उसके बाद एक और फिर से रेस्ट लेंगे और ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। टाइम बज रहे हैं 8 बज रहे हैं।
मिलते हैं कल ऊपर। तो हमको थोड़े से कुछ भाई मिले थे जो महाराष्ट्र से आए, तो यहाँ से श्रीनगर है 33 किलोमीटर, जाएंगे ऋषिकेश हरिद्वार देहरादून, हमको जाना है सीधा श्रीनगर, 36 किलोमीटर बचा है। तो कुछ भाई मिले थे जो आए हैं गोवा के पास से गाड़ी में अपनी, मतलब चौथा पाँचवा दिन है उनका, वो भी केदारनाथ ही जा रहे हैं। कुछ और भाई मिले थे तो मतलब कुछ लोग मेरठ से मिले थे यार, वो ऐसे थे मतलब होंगे वो 21-22 साल के, लेकिन वो बड़े सही थे, उन्होंने मेरी जो फ़ोटो खींची ना यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त खींची। इस बार ट्रिप पे मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी जा रही है कि मुझे जो लोग मेरी फ़ोटो खींच के दे रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छी अच्छी खींच के दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ना पब्लिक टॉयलेट है, मुझे सुसू भी आया था, मैं सोच रहा हूँ कि बाथरूम भी कर लेते। तो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहते हैं ना कि अगर हम ऐसे जाते हैं तो टॉयलेट वगैरह कहाँ करते हैं। तो देखो यहाँ पे यार उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट्स है काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, पहले भी देखे थे मैंने दो, अभी यहाँ पे भी एक देखने को मिला है। मुझे सुसु आया तो मैं बाइक को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और जाके फटाफट करके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जाम है जो लग चुका है शायद मेरे कारण। तो टॉयलेट जाने के जो 5 रुपये लगे, तो 5 रुपये में काफ़ी क्लीन टॉयलेट्स है। अगर आप 2 नंबर जाना चाहते हैं तो 10 रुपये, टॉयलेट जाना चाहते तो 5 रुपये, लेकिन सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। तो मैं आराम से हल्का है जो हो चुका हूँ, और मेरे कारण थोड़ा सा जाम भी लग गया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने वैसे तो बिल्कुल साइड में खड़ा था, लेकिन ट्रक व्रक आ गए ना तो रोड थोड़ी सी ब्लॉक हो गई थी 2 व्हीलर्स के लिए। तो केदारनाथ के लिए हमको यहाँ से मोड़ जाना है, 157 किलोमीटर बचा है। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मुझे काफ़ी लोग हैं जो केदारनाथ के लिए मिल चुके हैं, मेरी जान पहचान भी हो ही गई है, लेकिन कैंपिंग वाले अभी कोई नहीं मिले, सबके पास होटल वगैरह है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने औसम व्यूज़ हैं, और यहाँ पे जो चढ़ाई है एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो बाइक बस पहले और दूसरे गियर पे ही चल रहा है, इससे बाइक की एवरेज तो काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन ठीक है, फिर भी दिक्कत कोई नहीं आ रही। पावर पेट्रोल का यार मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, तो मैंने पावर पेट्रोल डलवाया था ना, उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, 101 किलोमीटर का। यहाँ आप देख सकते हो बाबा बाबा जो यहाँ पे चल रहे हैं, सब लोग नंगे पैर पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, और सब लोग मोस्टली केदारनाथ के लिए जा रहे हैं इस रूट पे, क्योंकि अब यहाँ से केदारनाथ 150 किलोमीटर बचा है ना, तो मैक्सिमम लोग जो अब यहाँ पे हमको दिखने वाले हैं वो सब केदारनाथ के लिए दिखने वाले हैं। हेमकुंड साहिब यहाँ से 219 किलोमीटर है, बद्रीनाथ 224। तो यहाँ पे चलो साइन बोर्ड भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रुद्रप्रयाग है 62 किलोमीटर, श्रीनगर है 33। तो हमारा पहला स्टॉप रहेगा श्रीनगर, उसके बाद अगला स्टॉप रहेगा रुद्रप्रयाग। तो हर 30 किलोमीटर बाद अपन छोटे छोटे ब्रेक लेते रहेंगे आराम से, 1-1 घंटे बाद। अभी तो 8:05 हो रहे। अब तो रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं देवप्रयाग के बाद। श्रीनगर अप्रॉक्सीमेट 20 किलोमीटर बचा है, और रास्ते इतने ज़्यादा ना, और अच्छी बात यह है कि अभी तक धूप नहीं आई है, एकदम ठंडी ठंडी मस्त हवा लग रही है। तो बस कपड़े अच्छे से पहने हो आपने तो आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो मुझे बस है कि मैंने अच्छे से गर्म कपड़े पहन रखे, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है, क्योंकि लेयर्स कम पहने, क्योंकि मैंने इतनी ठंड एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट अभी इतनी है कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो अगर अभी जैसे जैसे और ऊपर जाता जाऊँगा ठंड बढ़ती जाएगी, तो मुझे एक जगह रुक के अपने बैग से कहीं पर, जैसे मैं रुद्रप्रयाग में सोच रहा हूँ कि रुद्रप्रयाग में से अपने बैग में से जैकेट निकालूंगा, ताकि ठंड लगनी बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबे तक अगर ठंड लगेगी तो भी दिक्कत ही है। फिलहाल तो आप रास्ते एंजॉय कीजिए, सारे रास्ते आपको दिखाने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। एक तो मोटिव ब्लॉगिंग में दिक्कत ये भी है कि समझ नहीं आता कि क्या बात करें, रिपीटेड बात होती रहती है बार बार कि क्या बोलते रहे इतना, क्योंकि सफ़र में यार इतना भी क्या ही बोल सकते हैं ना, इतना कुछ बोलने के लिए खास होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने एक्सपीरियंस वगैरह बताते रहते हैं। बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मज़े से चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। पेट्रोल भी अभी तक देख सकते हैं आप, मेरी तरफ एक डंडी खाली हुई है, पेट्रोल भी अभी तक अपने पास बहुत है, क्योंकि 200 किलोमीटर का ही सफ़र था। तो एवरेज भी यार जो दूसरा ही जो पावर वाला पेट्रोल ना, एवरेज भी बहुत सही दे रहा है, परफॉर्मेंस भी बहुत सही दे रहा है। पहले मुझे लगा था कि मैं 101 रुपये का ये पेट्रोल डलवा रहा हूँ, वो 101 रुपये लीटर था, नॉर्मल पेट्रोल था 94 रुपये लीटर। तो मैं सोच रहा हूँ कि 6 रुपये महंगा पेट्रोल डलवा रहा हूँ, तो की गलती तो नहीं कर रहा, पर फिर मैंने सोचा कि छोड़ यार डलवा ही लेते हैं, कि हमको जाना तो है। लेकिन अब मैं उस डिसीजन पे मतलब प्राउड कर रहा हूँ कि यार मैंने सही डिसीजन लिया, कि अपने 6 रुपये ना बचाने के चक्कर में बाइक को ख़राब नहीं किया, और पेट्रोल अच्छा डलवा के अच्छी सही चल रही थी। अभी आप देख सकते हैं कितने आराम से चल रही है, और बाइक में से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने जो कल 94 वाला पेट्रोल डलवाया था ना ऋषिकेश से, उसमें से इतनी आवाज़ आ रही थी ना ऐसे करके बाइक से, मतलब इसमें जो इमिशन है वो अच्छे से सही से हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी भयंकर लैंडस्लाइड हुई है, उससे सड़क ही आधी टूटी हुई है, देख सकते हो। देख रही है कितनी मतलब कि कितनी तगड़ी लैंडस्लाइड हुई है कि सड़क ही आधी टूट गई है।
देखो यार कितने औसम पहाड़ है यहाँ तो, जो है ना धूप का नामो निशान भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वही ना, क्योंकि धूप को क्रॉस करके बहुत ऊपर आ चुके हैं यहाँ, तो मतलब कि सूरज भी नहीं दिख रहा है, तो जैसे जैसे और ऊपर जाता जाऊँगा ठंड बढ़ती ही जा रही है, तो मुझे लगता है रुद्रप्रयाग से पहले ही मुझे जैकेट निकाल लेनी पड़ेगी अपनी। और यहाँ पे चेतावनी के साथ देखिए मॉडल्स रखे हुए हैं कि आपको यहाँ पे आराम से चलना है, दुर्घटना कभी भी घट सकती है, और ये लैंड स्लाइड देखो यहाँ पे कितना खतरा है। तो हम मुल्या गांव पहुँच चुके हैं, ये भी देखो पत्थर कैसे नीचे आए हुए, कितने बड़े बड़े। अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो रहा था, सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट कर लूँ कहीं पे, अभी पराठे वराठे खाऊंगा, देखते हैं कहाँ पे खाएंगे। अभी फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं खींच सकता हूँ खींच देता हूँ, ताकि लेट ना हो। लेट तो यार वैसे मुझे लगता नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 8:30 ही हुए हैं, और अभी तो अपने पास पूरा दिन पड़ा है, और अपना ऑलमोस्ट हाफ जो सफ़र है वो श्रीनगर जाके जो हमारा हाफ जर्नी है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो आपको रास्ते तो दिखाने ही हैं, तो श्रीनगर यहाँ से 21 किलोमीटर बचा है अभी भी, आराम आराम से जा रहा हूँ मैं यार, ताकि मतलब ऐसे ही कि जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोड़ बहुत ज़्यादा है, हर एक सेकंड में एक मोड़ आता है, और गाड़ी ट्रक वाले काफ़ी ज़्यादा तेज चलते हैं यहाँ पे, तो बाइक्स वालों को टू व्हीलर वालों को तो आराम से ही चलना चाहिए, कोई जल्दी नहीं। देख सकते हो कैसे मतलब बिल्कुल ब्लाइंड मोड है इस तरह, कितना अच्छा मोड, मज़ा भी आता है वैसे यहाँ पे चलाने में, ऐसे तो कुछ नहीं है, यही तो नज़ारे हैं, इसी के लिए तो घर से इतनी दूर हम बाइक पे आते हैं, इन्हीं नज़ारों के लिए। तो यहाँ आके थोड़े से हमको धूप के जो दर्शन हुए, तो धूप ऊपर पड़ी थोड़ी सी ना हल्की हल्की, तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मतलब ऐसा होता है ना कि ठंडी हो और ऊपर वो ताज़ी ताज़ी धूप मिल रही हो तो कितना आनंद आता है, वैसी वाली फीलिंग आ रही है एकदम। बल्ले गांव के लिए ऊपर श्रीनगर बचा है 18 किलोमीटर, और श्रीनगर में आके हमको थोड़ी सी धूप देखने को मिल रही है, शायद पहले मैं पहाड़ी के दूसरी तरफ था ना इसलिए धूप आ नहीं रही थी, पहाड़ी के इस तरफ आ गए तो यहाँ पे धूप पड़ रही है। तो अब बिल्कुल अलकनंदा जो रिवर है उसके साथ साथ में चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अब अलकनंदा रिवर राफ्टिंग के बोर्ड भी मुझे दिखे हैं, तो अगर आप अलकनंदा रिवर में राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब राफ्टिंग करने का मौका मिल जाएगा। तो बस रुद्रप्रयाग अब यहाँ से बचा है 38 किलोमीटर, उसके बाद जो बद्रीनाथ है यहाँ से 200 किलोमीटर है, रुद्रप्रयाग यहाँ से बस 38 किलोमीटर है, श्रीनगर आने ही वाला है, श्रीनगर के लिए 5-6 किलोमीटर और बचे हैं बस, 10 किलोमीटर होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यहाँ पे हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, हरिद्वार ऋषिकेश के लिए देखिए बस जा रही है, हरिद्वार ऋषिकेश श्रीनगर से, हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश की बस भी, तो काफ़ी ज़्यादा बसेज आपको यहाँ से अभी देखने को मिल रही है, सारी बसेज वही केदारनाथ बद्रीनाथ से सुबह सुबह 5-6 बजे स्टार्ट होती है, तो अभी टाइम देखिए 8:40 हो रहे हैं, तो 8:40 हो रहे हैं, तो वही इसी समय यहाँ पे 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है तय कर चुकी है। तो यहाँ पे ब्रिज आया है श्रीनगर से पहले, ठीक है श्रीनगर 7 किलोमीटर बचा है, तो यहाँ से पहले एक ब्रिज आया, तो देखना है कि हमको कहाँ मोड़ना है, श्रीनगर के लिए इधर, दहल चोरी इधर, ठीक है श्रीनगर के लिए हमको इधर मोड़ना है। तो हमने एक और पहाड़ क्रॉस कर लिया, अब अगले पहाड़ में आगे श्रीनगर बचा है 5 किलोमीटर, उसके बाद आएगा रुद्रप्रयाग। तो आपको ये बात भी बता देता हूँ कि जो ऋषिकेश जो वो केदारनाथ है ना वो रुद्रप्रयाग ज़िले में है, रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बस हम रुद्रप्रयाग पहुँचने वाले, ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है 40-45 किलोमीटर ही बचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो जैसे ही हम रुद्रप्रयाग में पहुँच जाएंगे फिर तो हम केदारनाथ के बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि बस पास में ही है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 60-70 किलोमीटर और बचेगा। मैं यहाँ पर देख गया, यहाँ पे पानी का बहाव वैसे ना तेज़ है लेकिन पानी कम है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ऐसे सूख गया हो पानी। तो बद्रीनाथ यहाँ से बचा है 193 किलोमीटर, केदारनाथ बचा है 125 किलोमीटर, ये श्रीनगर गांव ही है पूरा देख सकते हो, श्रीनगर पहुँच चुके हैं हम। तो यहाँ पे अभी हम कोई ढाबा देख के ब्रेकफास्ट करेंगे, टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 8:50 हो रहे हैं, 8:50 पे हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। सुबह 5:40 पे मैंने लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से अपनी जर्नी है जो स्टार्ट की थी सोनप्रयाग के लिए, और 100 किलोमीटर का जो हाफ जर्नी है वो कंप्लीट हो चुके, टोटल 200 किलोमीटर था मेरे हॉस्टल से, तो जो 100 किलोमीटर तक की जर्नी थी वो श्रीनगर तक की वो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से
अप्रॉक्सीमेट 125 किलोमीटर है, जो 123 किलोमीटर है जो केदारनाथ और बचा है, तो हो जाएगा वो भी अपना 100 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग है यहाँ से 31 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पे पहले मैं सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट करो यहाँ पौरी रुद्रप्रयाग के लिए जाना है हमको सीधा ही। तो रास्तों का थोड़ा ध्यान रखें, एक भी गलत मोड़ लिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पहाड़ों का रास्ता है तो अगर आप 5-10 किलोमीटर भी अगर गलत चले गए तो वापस आने में आपका 30-40 मिनट है जो ख़राब हो जाएंगे आने जाने में। तो ये श्रीनगर विलेज आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे जैसे कुछ बाइक वाइक ठीक कराना है या खाना पीना है तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी 9 भी नहीं बजे तो मार्केट अभी खुलना शुरू है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे जो बसेज वगैरह है वो काफ़ी दिखने लग गई। हरिद्वार ऋषिकेश के लिए काफ़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल गया। सुबह से जब मैं आ रहा हूँ तो बसेज कम थी, मतलब जो बसेज वगैरह है वो 8 बजे के बाद ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन काफ़ी बसेज है यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। तो फाइनली देख रहे हैं श्रीनगर का ऑटो स्टैंड है श्रीनगर। फाइनली ये पूरा विलेज जो मेन विलेज है श्रीनगर वाला वहाँ पहुँच चुके हैं। विलेज नहीं कहूँगा वैसे तो, शहर ही कहूँगा। और ये बसेज आप देख सकते हैं, देहरादून ऋषिकेश के लिए बस जा रही है, हरिद्वार के लिए बस जा रही है, और ये दोबारा से हमको वही बस मिल चुकी है जो हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए जा रही है। नहीं ये अलग है, वो अलग थी। तो हरिद्वार के लिए यहाँ पे 3 बस लगी हुई है, देख सकते हैं श्रीनगर का बस स्टैंड है, यहाँ पे 3 लगी हुई है। यहाँ पे HDFC का ATM भी है, मुझे ATM से वैसे पैसे भी निकलवाने हैं, तो सोच रहा हूँ वैसे सोनप्रयाग जाके निकलवा लूँगा। पेट्रोल अभी अपने पास काफ़ी है, 4 डंडियाँ पेट्रोल तो हम पहुँच जाएंगे। जैसे मैं तो यहाँ पे 9 बजे के आसपास पहुँचा हूँ ना, तो ट्रैफिक नहीं मिला क्योंकि जो मेरी साइड से बसेस वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही है, तो वो अभी काफ़ी पीछे होंगी तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। लेकिन अगर आप जब आएंगे 10-11 बजे यहाँ पे, तो अगर 10-11 बजे क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है ये शहर में, मतलब क्योंकि क्योंकि पुलिस वाले भी इसीलिए काफ़ी ज़्यादा खड़े थे ना, क्योंकि शहर में लोकल लोग भी ट्रैफिक करेंगे, उसके बाद जो बसेज होंगी, फिर टूरिस्ट सब लोग का मिला के यहाँ पे लगता मुझे काफ़ी लंबा जाम लगता होगा, जो मुझे जल्दी आने की वजह से नहीं मिला और मैं आसानी से ये जगह क्रॉस कर पा रहा हूँ। तो एक रास्ता यार अभी नीचे को जा रहा है, एक रास्ता ऊपर को जा रहा है, तो अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ में हो गया हूँ कि वो भी मेन रोड हाईवे ही लग रहा है या कहीं से ना 2 रास्ते मुड़ते हैं, जो एक केदारनाथ को चला जाएगा एक बद्रीनाथ को चला जाएगा। हमें समझ नहीं आया कि मैं सही रास्ते पर आया हूँ या गलत पे आया हूँ। मेरे आगे वाली जो गाड़ियाँ थी वो भी थोड़ी सी गायब हो गई है, तो यहाँ पे किसी को पूछना पड़ेगा। केदारनाथ की तरफ यही रास्ता जा रहा है? हाँ धन्यवाद। वैसे तो ये टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ भी मेरे आगे जा रही है, इनसे कंफर्म हो जाता है मुझे कि ये गाड़ियाँ भी काफ़ी देर से मेरे साथ ही चल रही है। लेकिन एक बार फिर भी लोकल लोगों से कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी इस ट्रिप पे एक बार हो चुका है कि मैं हरिद्वार की जगह देहरादून पहुँच गया था एक गलत मोड़ की वजह से। इसलिए इस बार नहीं रिस्क लेने का, कोई रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल सही जाने का। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। तो देख सकते हैं खाना खाने के लिए रुक चुका हूँ, ये ढाबे का नाम है, आपको मेन रोड पे देखने को मिल जाएगा। वो सामने मेरी बाइक खड़ी है, सारे ग्लव्स वगैरह भी उतार लिए। और इनके जो रेट्स वगैरह ना मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगे यार, मतलब मैंने मंगाए हैं 2 आलू पराठे, 40 रुपये का एक पराठा, 80 रुपये के 2 पराठे हुए, और स्पेशल चाय 1 20 रुपये की, तो मतलब 100 रुपये मेरा जो ब्रेकफास्ट है डन हो जाएगा। ब्रेकफास्ट आ चुका है, तंदूरी पराठे मिले, बहुत ही मस्त, मतलब स्वाद भी है पूरे, ठीक है, चाय भी अच्छी है, तो 100 रुपये में ब्रेकफास्ट तो सही मिल गया। ब्रेकफास्ट हो चुका अपना, ये 2 भाई मिले थे, इन्होंने हमारी फोटो भी खींच दी, ठीक है भैया मिलते, तो इन्होंने हमारी फोटो भी खींच दी। ब्रेकफास्ट भी होगा, ब्रेकफास्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये लोग भी केदारनाथ ही जा रहे हैं, धारा देवी टेम्पल जाने के लिए इधर से, रुद्रप्रयाग जाने के लिए भी इधर से, तो धारी देवी टेम्पल भी आने वाला है, वो काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, उसके बाद रुद्रप्रयाग आ जाएगा, तो धारी देवी टेम्पल भी देखते हैं अगर हमको टाइम मिलता है तो, अगर मतलब वहाँ पे पार्किंग की जगह हुई तो उसके दर्शन करके ही जाएंगे। आपको पता ही होगा धारी देवी टेम्पल के बारे में तो, कि जिसको हिलाने से 2013 में जून में केदारनाथ में आपदा आई थी। तो जो धारी देवी टेम्पल है वो यहाँ से 9 किलोमीटर, उसके बाद है रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर, करण प्रयाग है 58 किलोमीटर, बद्रीनाथ है 186 किलोमीटर। तो अभी 9 किलोमीटर बाद शायद अपना एक और स्टॉप होगा 10 से 20 मिनट का, जो
धारी देवी टेम्पल में दर्शन करने जाऊंगा। अगर पार्किंग करने के लिए सही जगह हुई, मतलब पेड पार्किंग टाइप हुआ, क्योंकि मेरा सामान है वो भी रखा हुआ है ना, तो उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हमको जगह देखनी पड़ेगी। अगर मिल गई तो वहाँ पे पार्किंग करके दर्शन करते जाएंगे, क्योंकि अभी जो टाइम हुए ना वो 9:30 ही हुए। तो जैसे अगर आप देखोगे तो मेरा ब्रेकफास्ट भी लगभग 15 से 20 मिनट में हो गया। ब्रेकफास्ट काफ़ी सही था, 100 रुपये में मिले, 2 पराठे तंदूरी पराठे थे एकदम मस्त, आलू उसमें स्टफिंग अच्छी थी, चाय भी थी अच्छी थी, तो 100 रुपये में मेरा पूरा जो ब्रेकफास्ट है वो डन हो गया। तो अब जो धूप है वो अच्छी खासी आ चुकी है, और अब तो मतलब यहाँ पे ठंडी का भी हवा भी बहुत अच्छी है, और साथ में धूप पड़ रही है ऊपर अच्छी अच्छी, तो अब तो और भी आनंद आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में। बिल्कुल हमारे साथ साथ अलकनंदा रिवर है जो चल रही है, ये केदारनाथ तक अपने साथ ही जाने वाली है। काफ़ी ज़्यादा लंबी रिवर है जो अपने साथ जाएगी। माना यहाँ से जो इंडिया का लास्ट विलेज है, यहाँ से बद्रीनाथ वाली साइड से माना विलेज, वो यहाँ से 90 किलोमीटर है। तो अगर मेरा केदारनाथ जो ट्रैक है वो जल्दी हो गया, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ बद्रीनाथ वाला ट्रैक भी कर लूँगा, अगर पॉसिबल हो, अगर मतलब मैं थका नहीं, तबीयत ठीक रही, तो सब कुछ अलकनंदा रिवर के साथ चलते चलते ही रास्ते के आनंद ले आप भी। तो जो अलकनंदा रिवर है वो अपने बिल्कुल पास में आ चुकी है। पहले हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे तो ऊपर से दिख रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम नीचे आ चुके हैं पहाड़ से, तो बिल्कुल अपने बराबर आ चुके हैं। ये देखो सीमेंट का पहाड़, पूरा इस पहाड़ के ऊपर इन्होंने सीमेंट ही लगा दिया ताकि ये पूरा पक्का ही हो जाए। अब यहाँ से अब जो लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होती हुई ना, तो इन्होंने मुझे लगता है इसके ऊपर सीमेंट ही गिरा दिया पूरा, अब इसमें से पत्थर गिरेंगे ही नहीं, लेकिन नेचर को कोई नहीं रोक सकता, जब पत्थर गिरने होंगे तो ये सीमेंट भी उनको नहीं रोक पाएगा। तो गाइस फाइनली धारी देवी टेम्पल है जो वो दिखने लग गया, वो देखिए आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच जो टेम्पल बना हुआ है। अभी तो पानी का जो बहाव है वो काफ़ी कम है, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो क्या 2013 की आपदा तो आप सबको याद ही होगी कि 2013 में जो आपदा हुई थी केदारनाथ में, जब इस टेम्पल को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी डैम के प्रोजेक्ट के लिए, तो केदारनाथ में 2013 में बहुत भयंकर बाढ़ और आई थी, फ्लड्स इसको बोलते हैं, मतलब आए थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी, पूरा रामबाड़ा जो तबाह हो गया था। तो अभी यहाँ पे मुझे लग तो नहीं रहा है कि कोई मतलब कि सॉलिड पार्किंग है, क्योंकि मंदिर के लिए भी नीचे जाना पड़ेगा, तो रोड साइड ही पार्किंग करनी पड़ेगी। नीचे बिल्कुल मेरे मंदिर दिख रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर व्यू, तो यहाँ से आप देख सकते हैं धारी देवी टेम्पल का बिल्कुल एकदम क्लियर व्यू। अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच टेम्पल बना हुआ है। इसके लिए शायद लगता है मुझे नीचे से जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ता दिख नहीं रहा नीचे से जाने का, कहीं पे पूछते पूछते जाएंगे, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी तो हैं, शायद वहीं पे पार्किंग करके जाना पड़ेगा। तो यहीं कहीं पे धारी देवी टेम्पल का रास्ता होगा नीचे जाने का, वो हमको ढूंढना है, फिर हम नीचे जाएंगे। ये तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो रुके हैं, ये सर ये तो धारी देवी टेम्पल का आपको बोर्ड तो दिख गया, ये रहा लगा हुआ है धारी देवी टेम्पल। अब यहाँ हमको नीचे कैसे जाना है वो ढूंढना है बस हमको। नीचे गाड़ी नहीं जाती क्या? पक्का श्योर जाती होगी, मैं नीचे गाड़ियाँ खड़ी तो है, ऐसे मेरे को पैदल मत चलवाना। अभी हम उसे प्रसाद खरीदवाओगे, मैं प्रसाद खरीदूंगा नहीं तो। माँ धारा देवी टेम्पल है जो पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहाँ मैंने पार्किंग कर दी, माता
दर्शन तो हो चुके हैं, तो अब जो भीड़ है ना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मेरे दर्शन तो बिल्कुल सही टाइम पे हो गए थे, जल्दी आने के यही कुछ फ़ायदे होते कि हमको जो तो पार्किंग में मेरी बाइक सही लगी हुई थी। वैसे तो आप नीचे तक भी बाइक लेके जा सकते हैं, बिल्कुल ये जो मेन रास्ता था ना जिससे मैं गया, उससे पहले ही 200 मीटर पहले एक रास्ता जा रहा है जो सीधा नीचे जाएगा, जिससे आप गाड़ी या बाइक बिल्कुल मंदिर के पास ले जा सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, मेरे को यहाँ पे सामान की सेफ्टी तो मिल गई। मैं नीचे लेके जाता तो वहाँ पे कोई था नहीं सेफ्टी के लिए, यहाँ पे दुकान में पार्क कर दिया, 100 रुपये का प्रसाद लिया, प्रसाद भी चढ़ा दिया, गाड़ी की सेफ्टी भी हो गई, वहाँ पर सारा सामान भी रख दिया था। 500 मीटर का ट्रैक है यहाँ से आपको नीचे जाने के लिए, 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। जब मैं गया था तब मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच गया था तो मुझे ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा, लेकिन जैसे अभी जब मैं वापस आ रहा था तो जो लाइन है ना वो जहाँ से मतलब ट्रैक स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक आ गई थी। तो आप कह सकते हो लगभग 1 किलोमीटर की लाइन है जो बन गई थी, तो मेरा सही हो गया कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया। यही बस फ़ायदा रहता है कि अगर हम सुबह सुबह जल्दी चल पड़े तो हमको कोई दिक्कत आती नहीं। अब हम इसी केदारनाथ के लिए भी सबसे मतलब खाली सड़कों पे चले जाएंगे, और अब थोड़ी देर में ना यहाँ पे इन सड़कों पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी क्योंकि बसेस वगैरह टूरिस्ट एंड सब लोग आने लग गए हैं। लेकिन अब जो यहाँ से केदारनाथ का डिस्टेंस बचा है वो लगभग 120 किलोमीटर है। सोनप्रयाग आज की जो मेरी डेस्टिनेशन है वो है सोनप्रयाग, तो सोनप्रयाग यहाँ से है 100 किलोमीटर पूरे, तो 100 किलोमीटर तय करने में हमको लगने वाले 3 घंटे। अभी टाइम हो रहा है 10:50, देख सकते हो 10:50 टाइम हो रहा है, तो 3 घंटे हमको और लगने वाले, लगभग 2 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे। अलकनंदा नदी हमारे अभी भी साथ साथ है, बिल्कुल जो अलकनंदा नदी के बिल्कुल पास जाने का मौका मिला मुझे, लेकिन अभी मैं नहा नहीं सकता था तो इसलिए नहीं नहाया। वापसी में देखेंगे, अगर मौका मिला तो यहाँ पे या देवप्रयाग में ज़रूर स्नान करेंगे। अब उसके बाद अपनी जो अगली डेस्टिनेशन आने वाली है वो होने वाली है रुद्रप्रयाग। मंदिर के पास अलकनंदा नदी का जो बहाव है देखो कितना कम था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कितना ज़्यादा पानी हो चुका है। तो वहाँ पे भी एक और बीच है जिसके पास आप जा सकते हैं, वो लोग मुझे दिख रहे हैं उसके अंदर, आपको शायद ना दिख रहे हो काफ़ी, लेकिन एक और बीच है जिसमें आप नीचे जाके वहाँ से भी रास्ता है, अगर आप यहाँ पे नहाना चाहते हैं तो अलकनंदा नदी में स्नान कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग का डिस्टेंस यहाँ से 15 किलोमीटर ही बचा है, यहाँ से आप शायद देख सकते हैं कि सामने लोग खड़े हैं, कितना अमेजिंग व्यू लग रहा है, एकदम मस्त, मतलब ऐसे अलकनंदा नदी बह रही है, बीच टाइप पूरी व्यू है और नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं एकदम पहाड़ों वाले। तो यहाँ पे जो पहला है थोड़ा सा रास्ता जो टूटा है, बाकी ऐसा रास्ता कहीं भी नहीं आया, ये पहली बार है जब यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता टूटा हुआ मिला है। देखते हैं अभी कितनी देर तक चलेगा, वैसे तो आगे ब्रिज ही है, मुझे लगता है ब्रिज क्रॉस करते ही फिर से अच्छा रास्ता है जो शुरू हो जाएगा, पर अगर 100 किलोमीटर को गूगल मैप्स दिखा रहा है कि 3 घंटे लगेंगे तो मतलब कि रास्ता टूटा हुआ तो है, नहीं तो वो 2 घंटे दिखाता कि 2 घंटे या 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। रास्ता टूटा हुआ है इसलिए उसने दिखाया है कि हम वो टाइम लगेगा, पर ये टूटा हुआ ऐसा नहीं है कि कार चला ना सके, बस ऐसा है कि सड़क नहीं है, बजरी वगैरह है थोड़ी सी, वो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, तो शायद जब तक आप यहाँ पे आए तब तक ये सड़क भी बन जाए।
हरिद्वार से वही बद्रीनाथ वाली बस जो हमको सुबह मिली थी वो भी यहाँ पहुँची है। तो ये पूरा जो स्ट्रेच टूटा हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया, इस पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है और मेरा हेलमेट का वाइज़र खुला है क्योंकि मुझे आपके साथ बोलना पड़ता है तो मैं वाइज़र बंद नहीं कर सकता, नहीं तो माइक में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। इन सड़कों पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बाइक तो चल रही है, लेकिन इन सड़कों पर जो मेरा सामान है ना वो झटके मार मार के पूरा हिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये फाइनली ये टूटी हुई सड़क भी ख़त्म हो गई, अब दोबारा से अच्छी सड़कें फिर से शुरू हो जाए, आई होप। हाँ हो गई आगे से, मतलब अच्छी सड़कों का मतलब है कि इतनी सड़क तो हो, बजरी ना हो, मतलब मिट्टी वगैरह ना हो, थोड़ी मोटी टूटी फूटी हुई तो चल जाता है। तो ख़त्म हो गया फाइनली, तो ये लगता है टूटी वाला सड़क वाला रास्ता भी थोड़ा लंबा चलने वाला है, फिर से आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे ना स्ट्रिक्ट वार्निंग है लैंडस्लाइड्स की भी, और सड़क पूरी एकदम टूटी हुई है मिट्टी वाली। तो अभी तक जितना मैं साफ़ सुथरा यहाँ तक पहुँचा था, पर ये एक अच्छी बात अच्छी हुई कि जहाँ जहाँ पे मुझे फ़ोटोज़ खिंचानी थी वो सारी जगह पे मैं साफ़ सुथरा पहुंच गया बिना किसी धूल मिट्टी के, और अब थोड़ा सा गंदे होने का टाइम भी आ चुका है। तभी तो फिर हम कहीं पे स्नान करेंगे ना, गंदे होंगे तो, अभी तक गंदे नहीं थे इसलिए तो मन नहीं कर रहा था, अभी जब गंदे हो जाएंगे फिर तो हमको नहाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि केदारनाथ में तो बर्फ़ पड़ रही है, तो गौरीकुंड में ही जो गर्म कुंड है वहीं लास्ट बार नहाएंगे। उसके बाद अगर एक दिन रहे तो एक या दो दिन ऊपर तो शायद नहाने का मौका ना मिले, क्योंकि गर्म पानी मिलने के लिए भी शायद वहाँ पे अभी तो नहीं मिलेगा, वैसे तो मिल जाता है, वो पैसे लेके गर्म पानी भी देते हैं सुबह सुबह, लेकिन वो भी 6-7 बजे के बाद मिलता है। हम जो दर्शन मैं जो दर्शन करने के प्लान कर रहा हूँ वो सुबह सुबह 3-4 बजे ही लाइन में लगने का प्लान कर रहा हूँ। यहाँ भी मुझे लगता सड़क बनी रही है, लोग क्लीन तो कर रहे हैं बजरी को सारा। फाइनली टूटी हुई सड़क है वो टूट चुकी है, उसको बनाने के लिए भी पीछे ना काम चल रहा है, तो मुझे लगता है 1-1.5 महीने में वो सड़क भी बन के तैयार हो जाएगी। वहाँ पे ना पीछे वही सारा वो क्लीन कर रहे थे ना, तो वहाँ पे वही सड़क बनाने वाला काम चल रहा है, तो वो सड़क भी सारी बन जाएगी। तो इतना छोटा सा स्ट्रेच था वो 2 किलोमीटर का, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर का स्ट्रेच टूटा हुआ है। उसके बाद फिर से एक बार अच्छी सड़कें शुरू हो चुकी हैं। धारा देवी टेम्पल के बाद 2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो आपको मिलेगा थोड़ा टूटा हुआ अगर आप अभी आएंगे, लेकिन अगर आप अगले महीने आते हैं ना तो आपको ये स्ट्रेच भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से अलकनंदा नदी है जो बहुत नीचे रह चुकी है, हम एक और पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे जाते हैं, उस पहाड़ी को छोड़ के क्रॉस करके दूसरी पहाड़ी पर चले जाते हैं। तो ऐसे ही क्रॉस करते करते बहुत सी पहाड़ियाँ हमने अब तक क्रॉस कर चुकी है। तो अलकनंदा नदी काफ़ी नीचे रह चुकी है, अब दोबारा से नीचे जाने का रास्ता शुरू हो गया, तो अलकनंदा नदी फिर अपने पास आ जाएगी। तो काफ़ी दूर तक हम अलकनंदा नदी के साथ साथ ही चलने वाले हैं। ना अभी अभी बिल्कुल नई नई सड़क बनी हुई है, देख सकते हैं, मुझे लगता है पहले ये सड़क भी टूटी हुई थी, तो ये सड़क अभी पूरी पूरी जो सड़क है अभी नई बनी हुई है एकदम, देख नई नई लुक डाली है, साइड वाली वो साइड वाली पुरानी है, साइड वाली पूरी नई डाली है। तो ऊपर वो अभी तक वहाँ पे वो पहुँचे होंगे, तो ये बात अच्छी है कि चलो मेरे को तो सिर्फ 2 किलोमीटर ही टूटी हुई सड़क चलाना पड़ा, बाकी पूरी नई सड़क बन चुकी है। अभी 4 धाम यात्रा शुरू होने मतलब हो गई है वैसे तो, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद तक आएंगे तो सारी सड़कें A to Z आपको टंच मिलने वाली है, कोई सड़क आपको एक भी वो 2 किलोमीटर वाला स्ट्रेच भी आपको ख़राब नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा टूटा हुआ स्ट्रेच फिर से आ चुका है, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जो सड़कें हैं वो पतली भी हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, चिकड़ भी है। तो ये सड़क भी काफ़ी ज़्यादा पतली है, अगर आप यहाँ पे जैसे 2 बस आ जाएँ तो काफ़ी लंबा जो जाम है वो लग सकता है, लेकिन अपनी बाइक को कोई टेंशन नहीं है, आराम से चल रही है। स्कूटी वूटी पे आप जब यहाँ पे आएंगे ना तब दिक्कत होती है कि उसके टायर छोटे होते हैं ना, तो नीचे लगती भी है और वो ऐसे जैसे गड्ढा अगर बड़ा आ जाए तो उसमें से निकलती भी नहीं, पर ठीक है अपना बाइक नहीं रुकेगा, बड़े आराम से चल रहा है दूसरे गियर पे। आवाज़ आप तो आवाज़ को पीछे सुन ही सकते हो कैसी आ रही है, अगर जोर लगेगा तो आपको सुनेगी कि जोर लगने की आवाज़ आ रही है। अब थोड़ी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, सुबह जो मैंने 3 लेयर पहनी थी वो कम लग रही थी, अब जो मैंने 3 लेयर पहनी है वो ज़्यादा लग रही है कि गर्मी लग रही है, पर ठीक है चलते जाएंगे। पहाड़ों में जब धूप पड़ती है ना तो वो भी काफ़ी तेज़ पड़ती है, इसलिए अब वो धूप है जो काफ़ी ज़्यादा तीखी लग रही है, लेकिन थोड़ी देर में शायद जो टेम्परेचर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर बस एक ही दिक्कत है कि खड्डे इतने ज़्यादा बड़े कि मुझे लग रहा है मेरा सामान हिलेगा। वैसे तो अच्छा हुआ कि पहले ना मैंने सुबह अपना सामान थोड़ा ऐसे ढीला ही बांध दिया था, पर फिर मैंने सोचा कि
अगर रास्ते में सामान हिला तो वहाँ रुक के भी तो मुझे दोबारा बांधना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको खोला और फिर दिमाग लगा के बहुत अच्छे से उसको बांधा दोबारा से टाइट। तो अभी तक तो वो सामान नहीं हिला है मेरे, काफ़ी किलोमीटर निकल गए। अभी ये झटके आ रहे हैं इससे दोबारा हिलेगा तो भाई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक तो सामान बिल्कुल नहीं हिला है। तो दोबारा टूटा स्ट्रेच भी ख़त्म हो गया, हाईवे आ गया डबल। अभी ठीक है, रोड सड़कें चौड़ी भी हो गई, हाईवे भी आ गए। दोबारा से एकदम चमचमाती सड़कें हाईवे वाली स्टार्ट हो चुकी हैं। ये बात अच्छी है कि अभी सब लोग जो पीछे आएंगे ना, वो अभी धारा देवी टेम्पल में रुकेंगे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनको वहाँ पे आराम से एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तो लगने वाले हैं। तो इसका बेनिफिट मुझे मिल जाएगा कि मैं आराम से यहाँ पे चलता रहूँगा बिना किसी ट्रैफिक के। अभी जो एक घंटे बाद यहाँ पे आएंगे ना, तो वहाँ पे धारा देवी से जो लोग निकलेंगे वो एकदम ही इतने सारे निकलेंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। रुद्रप्रयाग अप्रॉक्सीमेट 25 किलोमीटर ही बचा होगा। रुद्रप्रयाग जिले में घुस जाएँ तो मतलब मान लो कि केदारनाथ तो आपके काफ़ी पास आ गया है। यहाँ पे यार ये पहाड़ मतलब ऐसा लगता है, ये सड़क है ना जो पहाड़ काट के बनाई गई, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे भी एकदम पहाड़ जैसा रास्ता दिख रहा है ना। और यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी। माना यहाँ से सिर्फ 175 किलोमीटर रह गए। सही है, जब मैंने शुरू किया था तब माना यहाँ पे 300 किलोमीटर दिख रहा था माइलस्टोन पे मुझे, अब सिर्फ 175 रह गया। तो राइड करने में मज़ा तो आ रहा है, शुरू करते हैं ना तो ऐसा लगता है यार कितनी लंबी राइड, 5-6-7-7 घंटे में कैसे चलाऊंगा, लेकिन जब करने लगते हैं तो इतना आसान और सही लगता है ना। अभी जब मैं धारा देवी वाला ट्रैक कर रहा था ना, तो तब मुझे लग रहा था कि धारा देवी वाला जो ट्रैक है वो मतलब वही सिर्फ 500 मीटर का था, लेकिन उसके ऊपर ही मैं खाली हाथ गया तो भी मुझे इतनी दिक्कत हुई। लेकिन जब मैं केदारनाथ वाला 21 किलोमीटर का ट्रैक करूँगा इतना सामान उठा के, तो मेरा क्या होगा। अभी मेरे मन में ऐसा आ रहा था, बट भोले बाबा करवाएंगे, सब करवाएंगे, आपके सामने करेंगे देखना पूरा सामान उठा के ऊपर तक 21 किलोमीटर का ट्रैक, वो भी मौज में करेंगे बिना थके। तो जो रुद्रप्रयाग है वो तो सिर्फ 8 किलोमीटर बचा है, मुझे तो भी लग रहा था होगा 20 किलोमीटर के आसपास, लेकिन वो तो सिर्फ 8 किलोमीटर बचा है अभी। तो ये लोग भी देखो कि सब लोग केदारनाथ ही जा रहे हैं। ये जो बंदा बैठ के जा रहा है ना, जो मैंने अपनी पहली लॉन्ग राइड की थी ना, वो की थी मनाली में, तो हम भी दो दोस्त थे जो उस पर गए थे बुलेट के ऊपर। तो मैंने ना इस बंदे की तरह, जैसे इसने काला सा बैग टांग रखा वैसे बैग टांग रखा था, और ऐसे बैग टांग के बुलेट के पीछे बैठ के जाना कितना दर्दनाक है आपको मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये सारा भार ना इसके कंधों पे है, और इसके मतलब जो बैठा है ना, तो इसको अभी इसके बम बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे होंगे। अभी देखने में तो लगता है कि बुलेट पर बैठा है, लेकिन बैठना आसान नहीं है ऐसे बैग टांग के। तो इधर वाली सड़कों पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, शायद ये सड़कें अभी बन रही हैं। धारा देवी तक सारी सड़कें एकदम इन्होंने चकाचक बना दी, लेकिन उसके आगे की जो सड़कें हैं वो अभी मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। वैसे तो सही है, देखो सड़कें तो सही हैं, लेकिन ये उनको शायद मतलब और अच्छा और चौड़ा करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये लोग भी देख सकते हैं स्लीपिंग बैग और कैंपिंग टेंट लेके जा रहे हैं। तो बस मुझे ऐसे ही थोड़े से लोग और ढूंढने हैं जो स्लीपिंग बैग और कैंपिंग टेंट लेके जा रहे हैं और जो कैंपिंग करने वाले। अभी तक मुझे जितने लोग मिले वो सारे होटल बुक करके या गाड़ी में या बिना किसी बुकिंग के जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोग मुझे और ढूंढने हैं जिनके पास कैंपिंग टेंट हो, ताकि मैं उनके साथ मिलकर कैंपिंग कर सकूं। ये पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। रुद्रप्रयाग बचा है 5 किलोमीटर, और रुद्रप्रयाग जिले में हमारी एंट्री है जो हो चुकी है। यहाँ से इस बोर्ड से ऑफिशियली रुद्रप्रयाग जिला स्टार्ट हो जाता है। रुद्रप्रयाग मेन सिटी अभी भी 5 किलोमीटर है यहाँ से। रुद्रप्रयाग में एंटर होते ही तो पूरे रास्ते में आपको पेट्रोल पंप यार हर 30-40 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप देखने को मिले जाएगा। और रुद्रप्रयाग में जैसे ही आप एंटर किए तो यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं एक्सपी वाला अगर कहीं से दोबारा पेट्रोल मिलेगा पावर पेट्रोल तो वो डलवा लेता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे रहा है। पेट्रोल अभी भी वैसे मेरे पास तो 4 डंडी है, तो 2 डंडी कम होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें मैं सोनप्रयाग तक पहुँच जाऊँगा। सोनप्रयाग के बाद तो हमको टैक्सी लेके ही जाना है। तो अभी यहाँ पे एक माइलस्टोन पे लिखा था केदारनाथ बाईपास, तो यहाँ पे अभी एक रास्ता शायद मुड़ने वाले हैं, दो जो चेंज हो जाएंगे, एक रास्ता जैसे चौपाटा बद्रीनाथ रोड हो जाएगी, एक केदारनाथ वाली रोड हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमको ध्यान रखना है रास्ते का थोड़ा। 1 किलोमीटर लिखा था केदारनाथ बाईपास, तो यहाँ पे बिल्कुल सामने जो बाईपास वाली रोड है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे अभी हमको देखना है कि जिसको रुद्रप्रयाग जाना है वो सीधा 1 किलोमीटर, तिलवाड़ा भी 1 किलोमीटर सीधा है, हमको जाना है यहाँ पे केदारनाथ। तो हमारी बाइक की चेकिंग होगी क्या, 80 किलोमीटर बताया केदारनाथ नीचे, गुप्त काशी भी नीचे, समर कैपिटल जाना है तो ऊपर चले जाएं गुप्त काशी और केदार गौरीकुंड यहाँ से।
यहाँ पे एक्सीडेंट देखो कैसे सैंपल्स रखे हुए हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पे धीरे चलें, नहीं तो दुर्घटना कभी भी हट सकती है। ये देखो, तो हमारे रास्ते में रुद्रप्रयाग मेन सिटी तो नहीं आई केदारनाथ के लिए, हम पहले से ही बाईपास हो गए। अलकनंदा नदी अभी भी हमारे साथ है जो चलने वाली है। ये हमको रास्ता यहाँ से बिल्कुल साइड में दिख रहा है, ऋषिकेश देवप्रयाग हो गया, श्रीनगर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, अगस्त अष्टमी, गुप्त काशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ टेम्पल, पूरा रूट इन्होंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। देखिए इस साइड की भी काफ़ी अच्छी है। तो चलो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी लोग इस रोड पे जा रहे होंगे वो सब लोग केदारनाथ जाने वाले। अब जो ऐसे उस सड़क पे ऐसा था ना कि आधे लोग तो कहीं और भी जा सकते हैं जिनका घर हो या कुछ हो, लेकिन अब जो इस रोड पे जाने वाले, इस रूट पे जाने वाले वो सब केदारनाथ के ही होने वाले। बाकी जो सारे ना बद्रीनाथ रोड अलग हो चुकी है, तो बाकी सब रूट के लोग अलग जाएंगे और जो केदारनाथ वाले होंगे वो सब इस पे जाएंगे। तो अब जितनी भी आप गाड़ियाँ बाइक ये लोगों को देखोगे वो सब केदारनाथ के ले जाएंगे। दीवारा यहाँ से है 9 किलोमीटर, गुप्त काशी है यहाँ से 46 किलोमीटर। तो जो बाबा की केदारनाथ की डोली है वो उखी मठ से चल के जाती है गौरीकुंड तक। आज उसका तीसरा दिन है बाबा की डोली का। तो आज जो डोली जाने वाली थी वो फाटा से गौरीकुंड जाने वाली थी। तो मुझे लगता है हम बिल्कुल 11:30 है ना, तो हम शायद 1-2 बजे तक वहाँ पहुँचे तो हमको बाबा की डोली के दर्शन भी हो जाएं। ट्रैक तो शायद पता नहीं मैं अभी कर पाऊँगा क्यों नहीं, क्योंकि अभी जो मेरी रजिस्ट्रेशन है ना केदारनाथ ट्रैक की वो है 26 तारीख की। तो अभी ये पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के बिना ऊपर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, तो ये अभी वहीं जाके पता लगेगा। लेकिन अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो हमको बाबा की डोली के दर्शन ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि बाबा की डोली आज गौरीकुंड में रेस्ट करने वाली है। कल गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए बाबा की डोली भी जाएगी। अगर हमको जाने का मौका मिला तो हम भी डोली के साथ ही जो ट्रैक है वो कंप्लीट करेंगे। तो इधर की सड़कें इतनी ज़्यादा साफ़ है ना कि नीचे जाते हुए देखो मैं बिल्कुल रेस छोड़ी हुई है, लेकिन बाइक अभी भी कम से कम 50-60 की स्पीड पे भाग रहा होगा और ब्रेक लगाने पे भी ना एकदम मतलब बाइक रुक नहीं रही है, तो बहुत कंट्रोल करके चलाना पड़ रहा है। लेकिन ये बात अच्छी है कि इधर बस अब ट्रैफिक जाने वाले ही ट्रैफिक है, आने वाले लोग तो बहुत कम है, जाने वाले ही ट्रैफिक और सबके सब केदारनाथ जा रहे हैं। और मैं सबसे जल्दी जा रहा हूँ तो हमको तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिल रहा जाने के लिए भी, एकदम बस मस्त अपनी स्पीड पर चल रहे हैं। 40-50 की स्पीड तो यहाँ पे मतलब ऊपर जाने के लिए भी आराम से मिलती है। केदारनाथ बस अपना 87 किलोमीटर बताए, गुप्त काशी 40, फाटा सिर्फ 53। फाटा में आपको जो पहला हेलीपैड है देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप जा सकते हैं सीधा केदारनाथ। हेलीपैड सर्विसेज, हेलीपैड की जो बुकिंग है वो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन उसकी बुकिंग यार मिलती ही नहीं है। एक तो पैसे भी काफ़ी ज़्यादा है, 8,000 रुपये राउंड ट्रिप है, आना जाना 8,000 रुपये में वैसे तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि उसकी बुकिंग ही नहीं मिलती। आपको कम से कम 1 महीना या 1-2 हफ्ते एडवांस में करा के रखनी पड़ेगी, तब जाके तो आपको बुकिंग मिलती है, इमीडिएट तो बुकिंग ही नहीं मिलती है। पहाड़ देख रहे हो यार कितना कितना विशाल और मतलब सुंदर पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है ना, इसको कैसे काट काट के इसके बीच में सड़कें मतलब ऐसे बनाई गई है ना, ये इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। सोचा मतलब इसका निर्माण है कितना मुश्किल रहता है, पहाड़ काटना, ब्लास्टिंग करना। ये पूरी केदारनाथ यात्रा का वो बना हुआ है, यहाँ से तुंगनाथ वगैरह भी जा सकते हो आप। सोनप्रयाग सिर्फ 66 किलोमीटर, गुप्त काशी 37 किलोमीटर। तो हमारे सिर्फ जो सफ़र का बचा है वो सिर्फ 66 किलोमीटर बचे यार, क्योंकि जो गाड़ी जाती है ना हमारी वो सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जाती है। उसके बाद गौरीकुंड तो हमको जो टैक्सी है उत्तराखंड वालों की उनमें ही जाना पड़ता है। सोनप्रयाग से आगे आप अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं ले जा सकते, पेड पार्किंग होगी सोनप्रयाग वगैरह में, वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी है जो पार्क करनी पड़ेगी। तो सिर्फ 66 किलोमीटर बचे हैं मेरी जर्नी के, टाइम हो रहा है अभी 11:30 बजे। तो हर 10-15 किलोमीटर बाद ऐसे ऐसे व्यू आते हैं ना, ये तो पूरा रॉक फॉल एरिया है, मतलब यहाँ पे चेतावनी भी लगी हुई है कि यहाँ बिल्कुल भी रुके ना, यहाँ पे कभी भी पत्थर वगैरह गिर सकते हैं। और देख के भी पता लग रहा है कि कितने पत्थर ऑलरेडी सड़क पे आ रखे हैं। तो जब भी आप यहाँ पे ट्रैवल करें तो बिना हेलमेट के तो ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर पत्थर गिरेगा सर पे बिना हेलमेट के तो सर फूटेगा ही सीधा, क्योंकि हल्के से हल्का पत्थर भी आपका सर फट देगा, यहाँ पे इतना भारी होता है वो। देखने में लगेगा वो हल्के छोटे पत्थर है, लेकिन हल्के से हल्का पत्थर भी अगर लगा ना वो भी आपका सर फोड़ देगा इतना। तो यहाँ पे बिना हेलमेट के, चाहे वो राइडर हो चाहे पिलियन हो, बिना हेलमेट के ट्रैवल ना करें, आराम से धीरे धीरे चलाएं, क्योंकि मोड़ काफ़ी ज़्यादा तीखे है, कोई भी एकदम से आ जाता है, आगे आ जाता है, गाड़ियों वाले कई बार रॉन्ग साइड से भी आ जाते हैं। तो आराम से चलना प्रेफर करें, 40 की स्पीड लिमिट है तो 40 पे ही चलें। गौरीकुंड 71 है, फाटा 53 है, गुप्त काशी 39 है।
तिलवाड़ा विलेज पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बाइक रिपेयर की दुकानें, खाने पीने के लिए होटल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो ये तिलवाड़ा है, यहाँ से गौरीकुंड बचा है 70 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग के बाद आपको जो है तिलवाड़ा में पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। HP का ये पेट्रोल पंप है। तो रुद्रप्रयाग से अप्रोक्सीमेट आप कह सकते 15 से 20 किलोमीटर बाद पेट्रोल का रेट है यहाँ पे 96.12 लीटर पर लीटर। तिलवाड़ा में हमको पहला जाम देखने को मिल चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ज़्यादा लंबा तो नहीं लग रहा वैसे। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ट्रक काफ़ी ज़्यादा है, मोड़ है, इसलिए ना थोड़ा जाम लग गया। थोड़े लोग जो गलत लेन में चले जाते हैं उन्होंने एक साइड का रास्ता है जो ब्लॉक कर दिया है। छोटा सा गांव है ना इसलिए, और यहाँ पे सारी दुकानें हैं, पार्किंग है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जाम लग रहा है। सड़कें काफ़ी ज़्यादा पतली है। तो जाम तो खुल चुका है, जाम तो नहीं खुला वैसे, मेरी बाइक थी तो मैं साइडों से बीच बीच में निकाल के आ गया। तो यहाँ पे पानी वाटर ब्रेक के लिए रुके, थोड़ा सा भी बैग भी हिल रहा था उसको भी चेक कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं हिला है, काफ़ी टाइट मैंने बांध रखा है तो ये नहीं जाने वाला कहीं, बट फिर भी थोड़ा हिल रहा था तो मैंने सोचा चेक कर ले और साथ पे पानी पी ले। पानी यार अभी बहुत देर से कोई जलधारा आई नहीं है तो इतना सा ही बचा है, पी लेता हूँ। गर्म हो गया काफ़ी, तो अभी ठंडी कोई आएगी जलधारा तो बाद पानी भरूँगा। तो पानी वानी पी लिया, 5-7 मिनट का रेस्ट भी हो गया, चलते हैं आगे। बस यहाँ से उतरना एक टास्क हो जाता है, चढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उतरने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि बाइक पे भार बहुत ज़्यादा है ना, और एक पैर को ऐसे खींच के निकालना, साथ ही बाइक को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे पुलिस ने एक लगा के रखा है कि धीरे चले नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा। यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हैं कितना सही है। तो बहुत टाइम से कोई बोर्ड तो हमको नहीं दिख रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि रास्ता सही है या नहीं। लो बोर्ड का नाम लिया और बोर्ड आ गया, तो रास्ता तो सही है। केदारनाथ 75 किलोमीटर, फाटा 39, गुप्तकाशी 24, चंद्रपुरी 8। तो अपना अगला ब्रेक हम लेंगे गुप्तकाशी जाके, यहाँ पे टेंपल भी है, साना घाट भी है, टूरिस्ट गेस्ट हाउस श्री केदारनाथ मंदिर है, यहाँ से 75। ये जगह है रुद्रप्रयाग, जिला तो रुद्रप्रयाग ही, अगस्त भी। तो अगस्त मुनि से बाहर आके हम दोबारा से हाईवे पे चढ़ चुके हैं और फिर से एकदम मक्खन जैसी मलाई जैसी सड़कें आ गई। दोस्तों एक बार पहली झलक जो मुझे दिखी बर्फ़ वाले पहाड़ों की, ये देखो ये है पूरे हरे भरे पहाड़, और बिल्कुल सामने देखो जो पहली झलक दिखी है मेरे को बर्फ़ वाले पहाड़ों की, केदार बाबा की, हिमालयों की। अभी हम यहाँ आए तो ऊपर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, और वहीं पे हम केदार बाबा के पास जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है जो ऊपर अभी पड़ी हुई है, यहाँ से दिखने भी लग गए हैं। जैसे जैसे अभी हम आधे घंटे में और करीब जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। मैंने सोचा मुझे पहली झलक दिखी है तो आपको भी दिखा देता हूँ। तो अभी मुझे पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहे हैं बर्फ़ वाले पहाड़ या नहीं, पर वो देखिए सामने ऊपर कितनी ठंड है, और उतनी हाइट पे हमको जाना है। वहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, ब्लू ब्लू सी कोई हट, हम भी गोल 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 घूमते हुए बिल्कुल उतनी ही हाइट पे जाएंगे। अभी आपको ऊपर से और क्लियर से दिखाऊंगा, अभी तो शायद बहुत दूर दिख रहा होगा आपको, लेकिन आँखों से जो नज़ारे मैं देख रहा हूँ ना वो आप कहीं भी नहीं देख सकते। अब देखो आप बिल्कुल क्लियर सामने, क्या व्यू है, और पहाड़ों की ठंडक यहाँ तक आने लग गई है। बस आधे एक घंटे में टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। अब जो पहले धूप है ना बहुत तेज लग रही थी सर पे, लेकिन अब धूप हल्की हो गई है, बिल्कुल मतलब धूप लग रही है लेकिन हल्की हो गई है बहुत। देखा आपको दिखेगा अभी यहाँ पे सिर्फ धूप इतनी तेज नहीं है, और जब थोड़ा सा आधा एक घंटा और चलाऊंगा ना, वैसे मतलब 1.5-2 घंटे का रास्ता और बचा है, तो आधा घंटा और चलाऊंगा ना तो मौसम में जो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सही है, धूप वाला रास्ता भी ख़त्म हो गया। पैदल यात्रा दुर्गापुर टू केदारनाथ, तो लोग पैदल भी आ रहे हैं, वैसे बाबा लोग बहुत पैदल जा रहे हैं ना। एक बंदा मिला है जो दुर्गापुर से केदारनाथ तक पैदल जा रहा है। चेक करो यहाँ पे पेड़ देखो कितना सुंदर है, पिंक पिंक, और सामने पहाड़।
यहाँ पे हरे भरे पहाड़, यहाँ पे पथरीले पहाड़ और सामने एकदम बर्फ वाले पहाड़। यहाँ पे जल धारा मिली है, यहाँ से एक बॉटल भर लेते हैं पानी के ऊपर। पंजाब टू केदारनाथ ट्रेवल विद द मोंटी फ्लॉम। धन्यवाद। बाइक पे एक मुसीबत है, बैग चिपक। हाँ है तो सही, पर थोड़ा सा एडवेंचर एडवेंचर के लिए बाइक क्रैश हो ना, इसके लिए सिलेंडर वो भी है। हाँ तो पानी पी लिया मस्त। तो आपको भी यहाँ पे ऐसे ही बस जल धारा जहाँ पे भी मिले वहाँ से अपनी पानी की बॉटल्स भरते जाएं। मैंने पानी की बॉटल भर भी ली और पानी पी लिया। उसके बाद अपन चलते आगे, चार्जर लगा लेते दोबारा से। ऐसे ही जो मैंने चार्जर लगाया है चार्ज तो नहीं करता, बट इससे ऐसा है कि बैटरी मेरी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो थोड़ा सा तो फ़ायदा है। ये पड़ा भी भाई है, ये चार्ज नहीं करता फ़ोन को जो, लेकिन मैंने पावर बैंक लिया है वो काफ़ी अच्छा है, वो फास्ट चार्जर है उसमें। तो अगर आप लगा के इसे ऑन भी रखोगे ना तो वो फुल चार्ज कर देता है फ़ोन को, लेकिन मैं उसकी चार्जिंग का भी बचा रहा हूँ ताकि सोन प्रयाग में जाके मुझे चार्ज ना करना पड़े, क्योंकि वो 27,000 mAh का है तो उसको दोबारा चार्ज करने में भी पूरी रात 12-13 घंटे लगते हैं। तो अगर आज मैंने होटल नहीं लिया तो मुझे कहीं पे इतनी देर के लिए चार्जिंग पॉइंट तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उसकी बैटरी है जो बचा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट थोड़ा ही टाइम बचा है बस, तो यहाँ पे ऐसे लोग मुझे शूट भी कर रहे हैं कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, तो मज़ा आ गया। तो बस थोड़ा ही बचा है, अभी लगभग 45 किलोमीटर के आसपास सोन प्रयाग पहुँच जाएंगे। तो अब जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो चुका है यहाँ पे, जब यहाँ पे भीड़ आएगी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो जाम है वो लगने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे सोन प्रयाग पास में आ रहा है वैसे वैसे जो रास्ते हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। देखिए ये सड़क कितनी ज़्यादा छोटी हो चुकी है, और जब इस पर दोनों साइड से ट्रैफिक आएगा तो कितना जाम लग सकता है जब बसेज वगैरह आएंगी। तो अभी वो सारा ट्रैफिक मुझसे तो अप्रोक्सीमेट 1 घंटे की दूरी पर होगा, मैं तो पहुँचने ही वाला हूँ, ज़्यादा टाइम बचा नहीं। 12:30 हो चुकी है, 1:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, 1:30 या 2 बजे तक मैक्सिमम मैं आराम से पहुंच जाऊंगा अगर मैं रुक रुक के ब्रेक लेके भी जाता हूं। तो यहां पे सड़क भी थोड़ी सी टूटी हुई है और पतली भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत धीरे धीरे चले। बस यहां पे अब मुझे थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि मेरा जो बैग है वो एक साइड को गिर रहा है, क्योंकि रस्सी है जो इतने झटके पड़ने के बाद काफ़ी ढीली हो चुकी है। तो या तो मैं इसको बैग को खोल के दोबारा सारा बांध सकता हूँ, या मैं अभी आधा एक घंटा बस ऐसे ही इसको एडजस्ट करके निकाल लूँगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जब तक बैग चल रहा है तब तक तो मैं इसको चलाऊंगा, लेकिन अगर नहीं ज़्यादा गिरेगा बैग तो वे करूँगा। अभी बहुत हल्का सा गया है, मतलब बहुत हल्का हल्का सा इधर है, तो ये कुंड नाव की जगह है। तो केदारनाथ बचा है 54 किलोमीटर बस, चमोली 90 किलोमीटर, फाटा सिर्फ 20 किलोमीटर बचा है। तो हमारी डेस्टिनेशन जो केदारनाथ, टोटल केदारनाथ है वो सिर्फ 54 बचा है, लेकिन जो वहाँ पे हमको बाइक वगैरह पार्क करनी है वो जगह सिर्फ सोन प्रयाग है। तो यहाँ पे आपको देखो टॉयलेट भी है और 1 किलोमीटर दूर बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, तो पेट्रोल पंप अब जाके मिला है। तो वैसे मुझे तो पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ सिर्फ आपको। तो ओमकारेश्वर टेम्पल आप उधर जा सकते हैं, चौपाटा के लिए रास्ता यहाँ से मुड़ गया, सोमनाथ चौपाटा वाला जो रास्ता गया ना ऊपर। गुप्त काशी बचा है सिर्फ 6 किलोमीटर, केदारनाथ 57, फाटा 21। तो रास्ता जा रहा है ना वो ओमकारेश्वर टेम्पल और जो चौपाटा तुंगनाथ वो वाला रास्ता चला जा रहा है। यहाँ पे भी जो थोड़ा सा रास्ता है वो टूटा ही हुआ है, यहाँ पे भी अभी वही सड़क बनाने वाला शायद कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। मेन दिक्कत है बस धूल मिट्टी से, अभी अभी मैंने मुंह धोया था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब धूल मिट्टी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब शायद ये जो पूरा रास्ता चलने वाला है ना, सिंगल रोड चलने वाला है, तभी इस रास्ते को 54 किलोमीटर कवर करने को मुझे 1.5 घंटा लगने वाला है, इसीलिए धूल मिट्टी ठीक है, लेकिन अब सोन प्रयाग में जाके नहाएंगे। तो ये बस आ रही है हरिद्वार।
यहाँ से तो मतलब ये अभी एक डेढ़ घंटा पहले चली होगी, अभी टाइम हो रहा है 1:35, तो आप सोच सकते हैं कि 11 बजे ये बस वहाँ से चली होगी सोनप्रयाग से। तो आपको हरिद्वार ऋषिकेश के लिए सोनप्रयाग से जो बसेज है वो मिल जा रही है। इस बस में भी काफ़ी सीटें खाली पड़ी थी, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको सीट वगैरह नहीं मिलेगी, आपको सीट भी इजीली मिल जाएगी। पहले दूसरे गियर पे बाइक सही से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चढ़ रही है, जोर भी नहीं लग रहा ज़्यादा। देखो आप बाकी बाइक से ज़्यादा तो लगेगा, अगर आपके पास दो लोग हो ना राइडर और पिलियन और 100-100 किलो के तो आपको लगेगा, लेकिन अगर आप जैसे 150 kg तक हो, जैसे कि मेरा वेट है 90 प्लस मेरे पास 30-40 किलो का वजन है, तो टोटल 120-130 किलोमीटर ये कीजी है, तो बाइक आराम से खींच रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर आप वही जैसे 200 किलो जैसे दो राइडर हो गए 200 किलो के, उसके बाद वेट भी होगा, तो तब आपको दिक्कत आ सकती है, तब आपकी बाइक नहीं खींचेगी। तो रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा टूटा है। उसके बाद एक और दोबारा से जो पेट्रोल पंप आ गया है, तो यहाँ पे आपको दो पेट्रोल पंप मिल जाएंगे लगातार, 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर ही HP का पेट्रोल पंप है, तो आप यहाँ से भी पेट्रोल डलवा सकते हैं। लेकिन अब ये जो सारा रास्ता शायद सिंगल रेन ऐसे ही है और टूटा हुआ है। ठीक है, ऑफ रोडिंग भी ज़रूरी है, अब सारे रास्ते हाईवे तो हमको नहीं मिलेंगे ना। तो यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा रुक के ना बैग सेट करना पड़ेगा, क्योंकि झटकों के कारण बैग काफ़ी ज़्यादा मुड़ चुका है। तो बाइक को स्टैंड पे लगाने में भी काफ़ी समय वो लग जाता है, तो देख रहा ना ये बैग मेरी बॉटल के बाहर की वजह से ना थोड़ा सा इधर को गिर रहा है, तो हमको इसको दोबारा से करना पड़ेगा। ज़्यादा तो नहीं हिला, बहुत कम हिला है, लेकिन फिर भी हमको इसको ऐसे थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा। शायद ना मुझे जो पानी की बॉटल है उसके लिए कोई और जगह बनानी पड़ेगी, मेन तो ये पानी की बॉटल के कारण ही ना उधर उधर जाया जा रहा है। पानी की बॉटल को हम यहाँ पे एडजस्ट करके देखते हैं, अगर ये टिकेगी तो नहीं, इस तरह से अगर ये पानी की बॉटल है यहाँ पे अटक जाए ना। चलिए, पानी की बोतल के लिए नई जगह बन चुकी है, जिससे ये भी एडजस्ट हो जाएगा। बस मेरी ये जो तनी है ये ना टूट जाए, इसको थोड़ा सा लूज कर देते हैं। चलिए, अब नहीं गिरेगा, तो आज का तो अपना काम हो जाएगा, पहुंच जाएंगे अच्छे से। तो बैग सेट हो गया, अब यहाँ पे एक तो सड़क भी काफ़ी टूटी है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसकी वजह से जाम भी लग सकता है। यहाँ पे भी मुझे लगता है सड़क बनाने का काम चल रहा है, ये साफ ही कर रहे हैं, लैंडस्लाइड वगैरह आई होगी, तो यहाँ पे अब सड़क का तो जो है नामो निशान नहीं है, और जो मेरी पानी की बोतल है वो अपनी जगह से हिल चुकी है, तो यहाँ तो नहीं रुक सकते, थोड़ा आगे जाके ही कहीं रुकेंगे। तो ये लास्ट के जो 50 किलोमीटर है ना, ये मेरा इंतहाम लेने वाले हैं। बैग तो सही है, पर पानी की बोतल अपनी जगह से शायद हिल गई है थोड़ी। ठीक है, या तो पानी की बोतल का त्याग करना पड़ेगा, वहाँ जाके नई बोतल ख़रीद लेंगे। इसीलिए मैं घर से ना पानी की बोतल नहीं लाया था दूसरी वाली, कि अगर मुझे पानी की बोतल फेंकनी पड़े तो फिर दूसरी बोतल हम फेंक नहीं पाते, तो टूटा हुआ रास्ता भी ख़त्म हुआ एक बार फिर से। तो यहाँ पर तो अपनी गाड़ी चढ़ेगी पहले गियर पर, अब दूसरा गियर, तो चढ़ गई और एक बार फिर से साफ सड़कें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो सड़कें हैं वो ऐसे सिंगल ही हैं, डबल लेन नहीं है, हाईवे टाइप सड़कें नहीं है, मतलब गांव टाइप की सड़कें हैं। अब तो अच्छी खासी ऑफ रोडिंग आज मेरे बाइक की हो रही है, सही है, मस्त ऑफ रोडिंग करने का मौका मिल रहा है। अब यहाँ पे केदारनाथ के केदार बाबा के नाम के जो होटल वगैरह है शुरू हो चुके हैं, ये बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई और सामने से गाड़ी भी आ रही है, तो पहले गियर पे ही कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पहले गियर पे चढ़ाओ गाड़ी, आराम से चढ़ेगी।
ऐसे रास्तों पे यार बस कैसे चलती होगी ना, इसीलिए मैं बस पे नहीं आया क्योंकि मुझे ऐसे रास्तों पे, फिर बस में तो पूरा मेरा मोशन सिकनेस की वजह से उल्टियों से बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ पे पहले दूसरे गियर पे गाड़ी आराम से चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं दूसरे गियर पे चल रहा हूँ, जब ज़्यादा चढ़ाई आएगी पहले गियर पे आ जाएंगे। गाड़ी वाला काफ़ी ज़्यादा ही धीरे चल रहा है, इसके कारण मुझे क्लच दबाना पड़ रहा है, उसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। तेज चला गाड़ी वाले, ये भी शायद पहली बार पहाड़ों में चला रहा है, या तो डर डर के। सड़कें हैं वो सारी टूटी हुई है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक अभी तो वन साइडेड है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है, ओवरटेक करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी तक सड़कें सारी टूटी हुई आ रही हैं, बिल्कुल भी कोई सही सड़क आई नहीं अभी तक। तो यहाँ पे आपको रहने के लिए रूम्स वगैरह भी मिल जाएंगे। चलो अच्छा है, ट्रक की पार्किंग हो गई तो हमारा रास्ता खुल जाएगा थोड़ा सा। सामने से देखिए बस भी आ रही है जो हरिद्वार जाएगी सोनप्रयाग से, तो बस भी इसी रास्तों पे चलती है। बस में तो शायद वैसे इतने ना पता लगता हो टूटी सड़कों का, क्योंकि बस के टायर तो काफ़ी ज़्यादा बड़े रहते हैं। यहाँ पे बाइक का जोर लग रहा है, पहले जोर पे भी काफ़ी। सोनप्रयाग सिर्फ 32 किलोमीटर रह गया, गुप्तकाशी 3, पाटा 18, तो 32 किलोमीटर का सफ़र है अपना और बचा है, तो लगभग 1 घंटा तो मान के ही चलो सड़कों के हिसाब से। स्पीति काजा जैसा पहाड़, जैसे स्पीति काजा में होता है ना, तो मुझे स्पीति काजा के जो आनंद है यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस रास्ते से मैं ये तो सोच सकता हूँ कि मैं इसी बाइक पे स्पीति काजा के मतलब स्पीति राइड भी कर सकता हूँ, काजा तक जा सकता हूँ। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, तो बर्फ़ में तो शायद नहीं, लेकिन जब बर्फ़ नहीं होगी अभी जून जुलाई के महीने में शायद जा पाऊँ। तो गाड़ी वाला कहाँ उड़ा के लेके जाना चाहता है मुझे ये पता, आगे कौन सा जाम खुला है, हॉर्न मार रहा जो। करो अब यहाँ पे बिल्कुल हम केदार बाबा के पास पहुँचने वाले हैं, तो एकदम नज़दीक आ चुके हैं बर्फ़ वाले पहाड़। यहाँ पे अभी अपनी ऑफ रोडिंग बहुत मस्त हो रही है, पहले गियर पे बाइक चढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ना ही स्लिप हो रही है। बस वही है कि अगर आपको सही से चलानी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल जाएगी, थोड़ा धीरे चलेगी, बस यही बात है कि धीरे धीरे चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि चलेगी नहीं, चलेगी ज़रूर। तो फाटा में जो आपको वो मिल जाएगा हेलीपैड, जहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं केदारनाथ, अगर आपके पास हेलीकॉप्टर की बुकिंग है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग है ना, वो आपको लगभग आप समझ लीजिए कि 2-3 हफ्ते या 1 महीना पहले ही करानी पड़ती है, तभी आपको बारी मिलती है, ऐसे आपको ऑन द स्पॉट तो कभी भी नहीं मिलती। कुछ रेयर केसेस में मिल जाती है, जैसे अगर आपके पास रिजर्वेशन है या कुछ और, लेकिन वैसे तो आपको कम से कम 2 हफ्ते पहले तो करवा के रखनी पड़ेगी। बाकी कभी कभी होता भी है स्लॉट्स कैंसिल हो जाती है, कोई नहीं आया या उसकी जगह आपको मिल गई तो मिल गई। तो एकदम मस्त आप बस ऑफ रोडिंग है जो करते जाइए, पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग है, सड़कें तो अब दिखनी ही बंद हो गई हैं। पहले गियर पे आराम से बाइक को चलाते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, जब सड़क सही आ जाए तब दूसरा गियर डाल लीजिए, लेकिन जब ऑफ रोडिंग है और चढ़ाई है तब तो पहले गियर पे ही चढ़ाइए, दूसरे पे चढ़ाने की कोशिश न कीजिए। और अपने क्लच का इस्तेमाल ना बहुत सही से करिए, नहीं तो आप अपनी क्लच पेट्स ख़राब कर सकते इतनी ऑफ रोडिंग में। यहाँ से आप देख सकते हैं कालीमथ टेम्पल है, सना घाट है, गुप्त काशी, श्री केदारनाथ बचा सिर्फ 48 किलोमीटर। केदारनाथ टेम्पल रह गया 48 किलोमीटर, और वो देखिए सामने वहीं कहीं दूर बैठे हैं हमारे महादेव। अब ये ब्लाइंड ड्राइव है, आपको बहुत ही धीरे धीरे और आराम से चलना है, बहुत ही ज़्यादा बज रही है तो ब्रेक भी बहुत ध्यान से मारें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप ब्रेक मारेंगे बहुत ज़ोर से
तो बाइक स्लिप हो जाएगी। अभी अभी मेरे साथ हुआ, एकदम से आगे से ट्रैक्टर आ गया था तो मैंने ब्रेक मारी तो भाई इसने स्किट हुआ, लेकिन मैं धीरे था इसलिए बच गया। और पीछे वजन भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल ब्लाइंड मोड है। और देखिए कैसी गुफा टाइप्स पहाड़ है, मतलब ये पहाड़ काट काट के कैसे रास्ते मस्त बनाए गए। अभी भी 45 किलोमीटर है जो वो बचा हुआ है। तो ये सब बाबा लोग तो देख रहे हो यार, ये जो अभी 45 किलोमीटर है जो मैं बाइक पे तय करने वाला हूँ, ये सब तो ये यात्रा भी पैदल कर रहे हैं, उसके बाद केदारनाथ की तो यात्रा करेंगे ही करेंगे। तो जो अपना बैग है वो हमको दिक्कत आ चुकी है, ऐसी सी प्लेन रास्ते पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, यहाँ ऑफ रोड के कारण सामान है वो काफ़ी ज़्यादा हिल गया। पर चलिए एक बार फिर से जो सामान है वो सेट हो चुका है, करते अपनी जर्नी कंटिन्यू। जाते हुए तो चलो इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है, पर ऊपर जाते हुए इतनी सी दिक्कत का सामना करना तो बनता है। तो टाइम हो रहा है 1:10, 2 बजे तक पहुंच ही जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और लगेगा। केदारनाथ का रास्ता गौरीकुंड 33, फाटा 14, केदारनाथ 54, सोनप्रयाग नहीं बताया। तो आप गुप्त काशी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलो एक काम तो अच्छा हुआ कि जो अच्छी सड़कें हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, और थोड़ी सी ठंड भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। अच्छी सड़कें और थोड़ी सी ठंड दोनों ही चाहिए थी, दोनों ही मिल गए। अब दोबारा से अच्छी सड़कें मस्त सड़कें शुरू हो रखी है, ठीक है। अब कोई भी टूटा हुआ पार्ट नहीं आया, तो वो थोड़ा सा ये जो आपको पार्ट निकालना है उसके बाद आप यहाँ पे आराम से फिर चलाइए वादियों के मज़े लेते हुए। यहाँ तो सड़कें हैं जो सारी सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है सड़कों में। और अभी मेरा बैग भी सही है क्योंकि झटके नहीं लग रहे ना भाई यार, जब झटके लगते हैं तो बैग की रस्सियाँ जो वो ढीली पड़ने लगती धीरे धीरे, और ढीली पड़ पड़ के बिल्कुल हो जाती है। खाली सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं, मज़ा आ रहा है, बस ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। आधे घंटे का इंतज़ार और बचा है, हो दे सकते हैं आपको मेरे पूरा घूम के ऐसे भी ऊपर जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा जाम लग गया, अब जो जलधारा है ना वो ज़्यादा शुरू हो गई है, मतलब झरने आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएंगे, तो अपनी बॉटल भर के पानी पी सकते हैं। मेरी बॉटल तो गिर गई है इसलिए मैं पानी भर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है मुझे प्यास भी लगी नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा जो जाम लगा हुआ है, सड़क बनने का काम चल रहा है उसके कारण जो जाम, ये रोड रोलर है उसके कारण जाम काफ़ी लग गया है। वो बंदा सबसे आगे खड़ा है, वो गलत लेन में चला गया था जिसके कारण रास्ता एक साइड का ये रोड रोलर के लिए ब्लॉक हो गया है। तो सबको अपनी गाड़ियां साइड करके एक साइड लगानी पड़ेंगी, तभी वो पास होगा और फिर ट्रैफिक चल जाएगा। मेरे पीछे भी काफ़ी बड़ी लाइन लगी है, उधर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी है, लेकिन हाइट देखो हम कितनी हाइट पर आ चुके हैं। तो देखो ये रोड रोलर कितना धीरे धीरे चलता है, हम तो निकल चुके हैं, जो ट्रैफिक है वो खुल चुका है अपने लिए। तो फिलहाल तो जब तक वो रोड रोलर नीचे नहीं जाएगा तब तक इस साइड का ट्रैफिक तो बंद ही रहने वाला है, क्योंकि सड़क काफ़ी ज़्यादा छोटी है और वो रोड रोलर मतलब पूरी सड़क जितना ही है। तो नीचे तो देखो अभी भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, वो पूरा ट्रैफिक।
ठीक है चलो, अभी आधे घंटे के लिए कम से कम हमारे पीछे तो कोई नहीं आएगा। और सड़क एक बार फिर से पतली हो चुकी है बिल्कुल। ऊपर व्यू चेक करो आप, सामने व्यू और ही सुंदर होते जा रहे हैं। पेड़ अब ऐसे लग रहे हैं जैसे हम प्रोजेक्ट भी बनाते स्कूल में, उसके ऊपर ऐसे छोटे 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 पेड़ रखते हैं, वैसे वेले वैसे लग रहे पेड़। और आप ये बाबा देखो, सारे सब लोग केदारनाथ जा रहे हैं, और ये तो मतलब पूरा सफ़र अपना पैदल कर रहे हैं, हम तो फिर भी बाइक और गाड़ियों पे कर रहे हैं। तो पहले तो ये ही सफ़र पैदल इन्होंने मतलब अप्रोक्सीमेट ये पहाड़, ये जब से मैं चला रहा हूँ तो सोच रहा है ये तब वहाँ से पैदल आ रहे हैं, तो मतलब कि 100-200 किलोमीटर तो ये पहाड़ ये पैदल चल रहे हैं। उसके बाद 22 किलोमीटर वाला ट्रैक हमने, तो भाई 22 किलोमीटर वाला ट्रैक नहीं होता, और ये लोग तो पूरा ही पैदल कर रहे हैं पहाड़ों में। अब देखो व्यू, अब तो बिल्कुल क्लियर, सारे मतलब बर्फ़ वाले ही पहाड़ दिख रहे हैं। तो ऊपर तो केदारनाथ में तो काफ़ी ज़्यादा जो बर्फ़ है वो पड़ती ही रहती है, मौसम अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे, तो शायद हमको भी जब हम जाएँ स्नोफॉल देखने को मिले। बर्फ़ तो वहाँ पे ऑलरेडी ज़मीन पे तो होगी जो पुरानी होगी, लेकिन नई स्नोफॉल भी हमको देखने को मिल सकती है। यहीं से जो होटल वगैरह काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुके हैं सोनप्रयाग से काफ़ी पहले ही, तो अगर आपको जैसे सोनप्रयाग में होटल वगैरह महंगे मिलते हैं तो आप यहाँ पर भी स्टे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सोनप्रयाग ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही 20-25 मिनट या 30 मिनट ही लगेंगे। तो अगर होटल आके ज़्यादा महंगे मिलते तो यहाँ पे रहना भी कंसिडर कर सकते हैं। चलो एटलीस्ट कोई तो एक और बंदा मेरे जैसा दिखा जो कैंपिंग टेंट स्लीपिंग मैट ये सब लेके आया, और वो भी सोलो ट्रैवलर है, दिल्ली से आया हुआ है। देखते हैं अभी सोनप्रयाग जाके, मेरा सबसे पहला टास्क तो ये रहेगा कि मुझे अपने जैसे सोलो ट्रैवलर बंदे ढूंढने। तो एक और बंदा दिखा, इसके पास भी है सारा सवाल, ये भी दिल्ली से सोलो ट्रैवलर, मुझे लगता है ये दोनों एक साथ ही होंगे। तो दोबारा से जो टूटे हुए रास्ते का दौर है वो स्टार्ट भी हो चुका है, थोड़ा सा रास्ता दोबारा से ख़राब हो गया है, यहाँ पे शायद वही कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है रास्ते की। पहले दूसरे गियर पे अपने बाइक को चढ़ाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चढ़ता रहेगा। तो अल्टो देखिए यहाँ पे कैसे भाग भाग के चढ़ रही है। यूके तो उत्तराखंड है, यूए क्या चीज़ है। तो यहाँ पे भी सड़कें बनाने का काम ही चल रहा है, मेजरमेंट वगैरह चल रही है, बराबर कर रहे हैं। देखो ये सड़कें काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई हैं। ठीक है चलो, बाइक की टेस्टिंग भी हो रही है और पता भी लग रहा है कि हम कितना ऑफ रोड इस पर कर सकते हैं। सड़क तो आ गई, चलो फिर से। बीच बीच में कुछ कुछ स्ट्रेचेज हैं जो बिल्कुल टूटे हुए हैं, उनको बनाने का जो काम है वो चल ही रहा है। और लगभग 3 किलोमीटर के बाद दोबारा से ये जो अच्छी सड़कें अपनी आ चुकी हैं, तो सोनप्रयाग यहाँ से बचा है 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर गौरीकुंड है, 19 केदारनाथ है, 35। तो हमारा सफ़र जो बचा है सिर्फ 13 किलोमीटर का और बचा है। 13 जो है मेरा फेवरेट नंबर भी है, तो बस सही है, फेवरेट नंबर है तो मतलब ठीक है। 13 किलोमीटर बचा है, अभी टाइम हो रहा है 1:50, तो 13 मिनट को हम आधा घंटा कंसिडर कर लेते हैं। 30 मिनट्स अगर रास्ता ऐसा ही हुआ तो 20 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन अगर टूटा हुआ हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, तो 2:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। सुबह मैंने शुरू किया था सफ़र अपना 5:40 पे लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से, और 2:30 बजे तक मैं पहुँच गया हूँ सोनप्रयाग, जिसमें कि मैंने देवप्रयाग पर भी काफ़ी रेस्ट लिए, धारी देवी टेम्पल के दर्शन भी किए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैं टाइम पे पहुंच चुका हूँ। अब इसके बाद मुझे कैंपिंग साइट और अपने जैसे सोलो ट्रैवलर्स ढूंढने हैं थोड़े से, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल टास्क होने वाला है, बट ठीक है, अब जो है वो तो करना ही है। तो जो मौसम है ऊपर पहाड़ों पे भी बिल्कुल साफ़ है, ऊपर भी कोई स्नोफॉल वगैरह नहीं है, बिल्कुल कड़क धूप पड़ रही है, देख ही सकते हैं आपको भी ऊपर दिख रहा होगा कितनी शाइनिंग हो रही है, मतलब पहाड़ एकदम चमक रहे हैं। तो ऊपर भी मौसम बिल्कुल ठीक ही, आज कोई स्नोफॉल वगैरह तो नहीं है, ऐसे ही बस कल भी कोई स्नोफॉल ना हो तो हमारा ट्रैक है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। बस मौसम ठंडा रहना चाहिए, धूप तेज़ नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इतना सारा सामान उठा के चढ़ना है तो जो मौसम है वो ठंडा रहना चाहिए थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ये टूटा हुआ स्ट्रेच और आ चुका है, बिल्कुल काजा स्पीति वैसी फीलिंग आ रही है इन सड़कों पे चला के। वैसे तो जैसे मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ ना, मैं कभी गया तो नहीं हूँ,
बट मैं वीडियो तो कर देता हूँ, ऐसी सड़कें होती है एकदम ऑफ रोड, ठीक है, साथ में व्यूज, हाई पासेस। तो यहाँ पे भी जो नई सड़क बनने का काम है वो चल रहा है, तो यहाँ पे भी जाम तो लगेगा क्योंकि एक साइड का ट्रैफिक बिल्कुल बंद है, एक साइड की जो सड़क है वो नई बन रही है, तो आना जाना एक साइड से ही होगा। ये देखो पूरी सड़क है जो नई बन रही है। चलो हम तो निकल गए इस जाम से, अभी जाम लगने वाला था। यहाँ पे भी पूरी अच्छी सड़कें हैं जो बना रहे हैं ये नई नई, पर फिर से अच्छी सड़कें शुरू। तो यहाँ पे सही है, ये रास्ते में अच्छी सड़कें, टूटी सड़कें दोनों ही मिक्स है, लेकिन ज़्यादातर तो टूटी हुई है। NH 107 है ये, NH 107, तो ये आपके लिए घोड़े खच्चर ये सब जा रहे हैं ऊपर, जिसके ऊपर बैठ के आप यात्रा करते हैं। तो वैसे तो प्रेफर करेगी घोड़े खच्चर ना ही ले, अगर आप यात्रा पैदल कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया जाता है, खाना कम दिया जाता है, काम ज़्यादा किया जा कराया जाता है, काफ़ी घोड़े बेचारे मरते भी है हर साल, तो प्रेफर करें कि घोड़े ना ही यूज़ करें। तो व्यू देखिए कितना ज़्यादा अमेजिंग है, सोनप्रयाग है वो पहुँचने ही वाले, लेकिन यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड एरियाज और कच्ची सड़कें फुल ऑफ रोडिंग। तो ऐसी ऑफ रोडिंग देखी है क्या कभी आपने? पहले दूसरे गियर पे ही चलाएं चढ़ाएं। अब हवा चल रही है बहुत ज्यादा, तूफानी चल रही है इसी रोड पे यार, इतने घोड़े चल रहे तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैक के ऊपर तो क्या ही हाल होता होगा। ये तो मेन रोड है, इतनी खुली है तो भी इसके ऊपर इतने घोड़े खच्चर है, यही सब यही सारे जो है कल जाएंगे ट्रैक पे, तो ऊपर कितनी भीड़ होगी घोड़े और खच्चरों की, तो दिक्कत तो है बाबा। कल ये सारे घोड़े ट्रैक पे चलेंगे और ऐसे ही भागेंगे। कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे कश्मीर में घोड़े खच्चर भागते हैं ना वैसे। सही है, उत्तराखंड में मुझे इस वाली लॉन्ग राइड पे तो सारे नज़ारे देखने को मिल गए, मनाली के, उत्तराखंड के, स्पीति के, स्पीति जैसा एक पहाड़ भी था जो कटा हुआ था, अब ये कश्मीर वाले घोड़े भी मिल गए, मनाली जैसे पहाड़, बर्फ पीले पहाड़ भी है, व्यूज़ तो यहाँ पे है ही सुंदर। तो उत्तराखंड अपने आप में एक बहुत ही अच्छी जगह है, और साथ ही साथ महादेव की नगरी है, तो महादेव के ट्रैक पे जा रहे हैं तो व्यूज़ तो अद्भुत होने ही हैं। सोनप्रयाग है, अब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है। सोनप्रयाग 2 किलोमीटर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होटल जो है शुरू हो चुके हैं सारे यहाँ पे, अब लाइन वाइज जितने भी होटल ही होटल हैं, तो आप चाहे तो यहाँ भी होटल लेके रह सकते हैं क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर ही है। उसके बाद आपको सोनप्रयाग से आगे तो वैसे भी गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं है, आपको उससे ही जाना पड़ेगा टैक्सी से, तो आप यहाँ पे हॉल्ट ले सकते हैं, उसके बाद सुबह सुबह 2 किलोमीटर ट्रैवल करके गाड़ी लेके आप जा सकते हैं ट्रैक के लिए। बट अगर आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है तो आपको अभी मतलब अभी ही गौरीकुंड चले जाना चाहिए। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग ट्रैक है जो स्टार्ट नहीं करना तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे शायद झरने भी हैं नहाने के लिए, आपको अगर नहाना वाना है तो अभी आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने पार्किंग कर दी है और उसके बाद जा रहे हैं, मैं एक बार ऊपर तक देख के आता हूँ, मैंने भी पूछा तो नहीं, काफ़ी लोगों ने यहीं पे होटल वगैरह भी ले लिया। सीतापुर है ये, सोनप्रयाग नहीं आया अभी तक, तो यहीं से ही काफ़ी लोगों ने पैदल ट्रैक भी शुरू कर दिया, ये देख सकते हैं ऐसे बैग टांग के। तो अभी इन्होंने यहाँ से क्यों किया वो मुझे समझ नहीं आ रहा, पर देखते हैं, क्योंकि शायद नीचे ही पार्किंग है पेड़ वाली, ऊपर पार्किंग है कि नहीं ये नहीं पता, मुझे भी यही लग रहा है पार्किंग की वजह से इन सब ने किया है। तो मैं एक बार ऊपर चक्कर मार के आ जाता हूँ कि टाइम तो अपने पास अभी बहुत है, 2:20 ही हुई है अभी, तो सोनप्रयाग तक जाके आ जाते एक बार, नहीं हुआ तो फिर वापस तो नीचे आ ही जाएंगे। तो फाइनली जो हमें सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, देख चुके हैं बिल्कुल सोनप्रयाग आ गया ये, इसीलिए मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसीलिए सबने वहीं पे पार्किंग कर दी, वहाँ पे जो पेड पार्किंग है वो अवेलेबल थी, यहाँ पे भी और ही सोनप्रयाग की पार्किंग। तो अब इस किससे पूछा जाए कि हम आगे जो गाड़ी ले जा सकते हैं कि नहीं, सोनप्रयाग की पार्किंग तो ये है।
नीचे जाके पूछे क्या यार, थोड़ा और आगे ले जाए, आगे ले जा सकते हैं क्या नीचे? तो यहाँ पे जो पार्किंग है वो तो ये रही, टॉयलेट भी है यार। वैसे बाकी लोग ऊपर ले तो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ले जा सकता हूँ कि नहीं। नीचे जाके एक बार पूछता हूँ। तो अभी कितने की काटोगे? एक ही बार करती है। हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ, एक तो अभी पता नहीं ना कितना टाइम लगेगा। पैसे बाद में लेते हैं। अच्छा बाद में लेते हो, ठीक है काट दे। 12 घंटे के 60 रुपए है ना, 24 घंटे एक दिन के 120 रुपए हुए। तो 12 घंटे के 60 रुपये, एक दिन के 120 रुपये यहाँ पे लगाने हैं। ये सोनप्रयाग का लास्ट है, ऊपर भी पार्किंग है। वैसे पता नहीं वो झूठ बोल रहा था कि नहीं समझ जाए, लेकिन पार्किंग करके अब हमको यहाँ से टैक्सी लेके गौरीकुंड जाना पड़ेगा। कहाँ लगानी है बाइक वो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए जो जगह है वो मिल चुकी है। वैसे फाइनली पार्किंग में पार्क करके मैंने सारा लगेज जो अपना खोल लिया, सही सलामत पहुंच गए। ठीक है, बस एक पानी की बोतल गिरी और जो मेरा वो टूटा जिसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो सही सलामत पहुंच गया। अभी सारा सामान उठा के हमको करना है ट्रैक, गौरीकुंड जाएंगे। देखते हैं, अभी पता करते हैं कैंपिंग वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हमको होटल लेके या डॉर्मेट्री लेके रहना पड़ेगा। तो वैसे पार्किंग कर दिया सारा, अपना बैग वगैरह भी संभाल लिया। देख सकते हैं वेट मुझे वैसे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बट ठीक है ले जाएंगे गौरीकुंड तक। तो ले ही जाते हैं, वहाँ से लगेगा ज़्यादा तो डिवाइड कर लेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन अब लेके तो जाएंगे। कैंपिंग का पता नहीं कहाँ करनी है कहाँ नहीं, बट निकल पड़े। तो अभी चल रहे हैं पूरा ट्रैक। काफ़ी मेरे जैसे लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन सब लोग ग्रुप में, सोलो कोई भी नहीं दिख रहा है। देखते क्या बनेगा। तो सोनप्रयाग की मेन मार्केट में चल रहा हूँ, यहाँ से टैक्सी लेके जाना है गौरीकुंड, लेकिन कहीं टैक्सी दिख नहीं रही है। बहुत लोग पैदल चल रहे हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे पैदल चल रहा हूँ। देखते क्या बनेगा। सोनप्रयाग में पार्किंग करने के बाद आपको लगभग 1.5 किलोमीटर सारा सोनप्रयाग पैदल चल के जाना पड़ेगा। शेयर टैक्सी जहाँ से स्टार्ट होती है, तो पैदल चल रहा हूँ। अभी से ही जो भार है उसका पता लग रहा है वेट का, कि काफ़ी ज़्यादा है, बट ठीक है अब लाए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। तो पैदल चलते चलते एक पुल क्रॉस करना है। वैसे आपको मिल तो सोनप्रयाग से भी जाएंगे टैक्सी, लेकिन वो जाम वाम में अटक सकती है या वो थोड़ा लेट चलेंगी। लेकिन अगर आपको जल्दी से जल्दी जाना है तो पुल तक आ जाए पैदल। पुल क्रॉस करते लाइन वाइज सारी टैक्सीज खड़ी हैं जो भरते ही फटाफट चलती रहती हैं। तो ये वाला पुल है जो आपको क्रॉस करना है। ये पुल क्रॉस करती है आपको लाइन वाइज सारी टैक्सीज हैं जो गौरीकुंड जाने के लिए मिल जाएंगी। मुझे तो विंडो सीट चाहिए। तो देखिए जैसे ही पुल से बाहर आए, यहाँ पे सारी ये जो शेयर टैक्सीज है वो लगी हुई हैं। टैक्सी जो खड़ी है जो गौरीकुंड जाएंगी। तो हमने ये वाली गाड़ी में हम बैठने वाले थे, पूरे को पूरी लाइट लगी हुई है, तो मैं इस गाड़ी में बैठने वाला विंडो सीट पे।
उतार दिया जाएगा, अब यहाँ से आपको पैदल जाना आगे। और तो गाड़ी ने उतार दिया गौरीकुंड में, जहाँ पे लिखा हुआ है केदारनाथ ट्रैक 16 किलोमीटर। तो आगे भी फिर से पैदल जाना है, देखते हैं अभी कैंपिंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ रास्ता है जो आपको गाड़ी से उतरने के बाद भी काफी पैदल चलना है। तो अभी से ही वेट है बहुत ज्यादा लग रहा है, अभी तो हार्डली 1.5 किलोमीटर ही चले। तो यहाँ पे भी यार गौरीकुंड में बाहर बाइक तो खड़ी है काफी सारी। फाइनली है गौरीकुंड, यहाँ पे भी बाइक पार्किंग तो है, लगता है कि बाइक्स वगैरह हम ऊपर तक ला सकते हैं। तो शायद आप भी ट्राई कर सकते हैं कि सोनप्रयाग में बाइक ना खड़ी करके ऊपर बाइक ला सकते हैं, सिर्फ शायद गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, बाइक वगैरह टू व्हीलर अलाउड है ऊपर तक। अगर मैंने पूछा कि टेंट लगाने की जगह कहाँ है, तो यहाँ पे तो कुछ जो पोर्टर्स वगैरह वो मना कर रहे हैं कि टेंट लगाने की कोई जगह अवेलेबल नहीं है, बट हम ढूंढेंगे कोई ना कोई जगह। तो आपको चलते जाना है गौरीकुंड के मार्केट में। मैंने भी बहुत सी वीडियो देखी, लेकिन सब लोग ये बोलते हैं कि गौरीकुंड में टेंट लगा, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि टेंट लगाना कहाँ पे। तो यहाँ पे अभी पूरे मार्केट में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है। गौरीकुंड में भी कैंपिंग की कोई जगह बहुत ईजी आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस है होटल वगैरह का, तो आपको कैंपिंग इतनी आसानी से नहीं करने देंगे। तो आपको चलते जाना है गौरीकुंड की मार्केट में, एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँगा आपको जहाँ मैं कैंपिंग करूँगा। बहुत सी वीडियोज़ में आपको ये सब देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप खाना वाना तो पूरा खा सकते हैं, फास्ट फूड पूरा मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप फल फ्रूट या कुछ भी खरीदना चाहते हैं, सारी ज़रूरत की सामान की दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ना पूरा भंडारा लगा हुआ, यहाँ मंदिर है, यहाँ पूरा भंडारा बन रहा है आपके लिए, ठीक है, वहाँ तारा बट रहा है। तो अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि जाके यहाँ पे भंडारा खाता हूँ। तो यहाँ पे गौरीकुंड में पहला जो भंडारा है वो लगा हुआ है। खाना तो मिल ही गया यहाँ पे, मतलब भंडारा देखते हैं जाके खाते हैं, उसके बाद कैंपिंग की लोकेशन ढूंढ लेंगे। भूख बहुत जोर से लग रही है, तो देखते हैं क्या मिल रहा है। मैंने भी अभी जो भंडारा है वो खा लिया, चाय मिली, पकौड़े मिले और गरम गरम मीठी बूंदी मिली, वो सारा कुछ मैंने खा लिया अच्छे से। की तरफ से ये दोस्तों, वैसे तो टेंट लगाने की जगह यहाँ नीचे भी है, लेकिन मैं थोड़ा और ऊपर जाके देखता हूँ, अगर कोई अच्छी लोकेशन मिलती है तो वहाँ जाके देखते हैं, नहीं तो फिर वापस आएंगे। क्या सारे कैंपिंग टेंट वगैरह ये लग रखे हैं, तो मुझे लगता है यहीं पे लगेंगे जो टेंट वगैरह लगेंगे ना। ये देखो 2-3 लोगों ने तो यहाँ पे लगा लिए, हम भी वहाँ जाके नीचे देखते हैं कि अपना टेंट कहाँ लगाना है। टेंट लगाने के लिए ना चलते रहना बिल्कुल सीधा, एक मंदिर आएगा, मंदिर क्रॉस करके सीढ़ी आएंगी, तो आपको सीढ़ियों से नीचे उतर जाना है। बैक कैमरे से भी मैंने आपको जगह दिखा दी है जहाँ पर आप अपने टेंट वगैरह लगा सकते हैं, काफ़ी जगह है यहाँ पे,
अब टेंट लगाने के लिए अभी फिलहाल ज़्यादा लोग नहीं है ना, खाली है बहुत इजीली। वैसे आपको उतरते जाना है आराम आराम से। टेंट है ये, ये जगह है गौरीकुंड में जहाँ पे आप टेंट वगैरह लगा सकते हैं। इन भाइयों ने तो यहाँ डाल दिया, हम रास्ते में तो नहीं लगा सकते, पर हमको अच्छी सी जगह है जो ढूंढनी पड़ेगी अपने टेंट के लिए। वो नीचे लगाने की सोच रहा हूँ मैं भी, उस भाई को भी अच्छी जगह मिल गई तो मुझे भी थोड़ा और जल्दी है ना आ जाना चाहिए था, अगर अच्छी लोकेशन पर टेंट वगैरह डालना है। तो इस भाई को तो बहुत अच्छी जगह पे जो है टेंट की लोकेशन मिल गई है, ऐसे ही हमको भी ढूंढनी है। इनकी बात हो गया? नहीं यार, ऐसे शौक के लिए बस। तो देखो सारे टेंट लग चुके हैं। गौरीकुंड आ चुका है जहाँ पे गर्म पानी कुएं की जगह है, कैंपिंग के लिए अभी तक जगह है जो वो नहीं मिली है। तो यहाँ देख सकते हैं कैंप ही कैंप लगे हुए हैं सारे। तो देखो यहाँ पे भी हमको जो कैंपिंग की जगह आज लगता है नहीं मिलने वाली है, पूरा भरा हुआ है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कैंप लगाने के लिए जगह तो बहुत है, पर बहुत लोग पहले से यहाँ पे पहुँच के ना अपने कैंप वगैरह लगा चुके हैं, तो हमको अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ हमको जगह मिल सकती है। फिलहाल तो कहीं नहीं मिल रही है यार। देखो कैंप तो बहुत लगे हुए हैं लेकिन अपने को जो है जगह नहीं मिल रही कैंप लगाने की, वही बस थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अभी ये वाली कैंपिंग लोकेशन फाइनल की है, यहाँ पे लगाता हूँ फटाफट अपना कैंप, ठीक है ये वाली यहाँ पे पूरी। तो कैंपिंग लोकेशन तो यार यहाँ पे सारी फुल है, लेकिन ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कैंपिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नीचे लगाने की सोचते हैं, सही तो लगाएंगे। फाइनली कैंपिंग लोकेशन फाइनल कर दिए, यहाँ पे टेंट करेंगे। वो भाई भी अपना 3% टेंट लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा फटाफट लगा देते हैं अंधेरा होने से पहले, भी बारिश का मौसम भी बना हुआ है, बारिश भी होने वाली है बहुत ज़बरदस्त। और मैं तो यहाँ पे 2 दिन रहने वाला हूँ कैंपिंग करके। तो गाइस फाइनली जो मेरा टेंट है लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे अपने साथ और भाई भी है, सब टेंट लगा रहे हैं, तो फाइनली जगह तो मिल गई। तो देखते हैं आज की हमारी सोलो कैंपिंग कैसे जाने वाली है। मेन बात ये है कि बारिश है जो शुरू हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में बहुत तेज़ यहाँ पे बारिश होने वाली है। यहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ ऊपर स्नो होगी। टेंट लगे देखो, आधी दुनिया घर छोड़ चुकी है। सही बात है। तो ये मेरा टेंट। गाइस बारिश है जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, सब लोग अपना अपना टेंट यहाँ पे लगा चुके हैं। तो पीछे देखे सारे ट्रैवलर वगैरह, यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं ना, जो विदाउट मनी ट्रैवल करते हैं, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखते हैं अभी सबसे जाके मिलेंगे। खाना वाने का भी देखना भी प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुबह ही ब्रेकफास्ट किया था, बस इसके बाद कुछ खाया नहीं अभी तक। देख सकते हैं इस तरह से लोग नीचे नहा भी रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, और यहाँ पे सारे जो कैंप्स वगैरह वो लगे हुए हैं। तो टॉयलेट वो बिल्कुल सामने बने हुए हैं, ठीक है। पानी वानी आप पीछे मार्केट से लाना पड़ेगा, खाना वहाँ पे मंदिर के पास ही, यहाँ से बिल्कुल पीछे जाके भंडारा मिलेगा। और ये सामने गौरीकुंड है जिसमें गर्म पानी आप जाके स्नान कर सकते हैं, तो कोई भी आपको दिक्कत यहाँ रहने में नहीं आने वाली है। ये भाई भी मुझे लगता है खाना बनाने वाले हैं यहाँ पे।
तो गाइस हो चुका है अपना पूरा सेटलमेंट यहाँ पे, बारिश भी अभी रुक गई है, सबके टेंट वगैरह लग चुके हैं। अभी कुछ ही देर में एक आधे घंटे में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे पीछे टॉयलेट वगैरह भी है, खाने का इंतजाम मंदिर के पास हो जाएगा, बिल्कुल हमारे टेंट के पास गौरीकुंड है। तो सुबह सुबह गर्म पानी से स्नान करके यहाँ पे हम सीधा जा सकते हैं डोली के साथ ऊपर दर्शन के लिए। टेंट लग के तैयार हो चुका है, देखो ये मेरा घर है, आपको अंदर का होम टूर भी दे देता हूँ पूरा। तो यहाँ से आप अंदर आएंगे तो देख सकते हैं, ये मेरा स्लीपिंग बैग है पूरा, ठीक है, ये मेरा मैट है, ये मेरी इमरजेंसी लाइट है। तो पूरा अंदर कैंप लग के तैयार हो चुका है। अभी आपको टेंट के अंदर का ये टूर है वो दे देता हूँ। ये देखो पूरा टेंट है जो लग के तैयार हो चुका है, वो मेरा स्लीपिंग मैट है, ये स्लीपिंग बैग है, लगेज और लाइट। तो गाइस यहाँ पे अपना पूरा सेटअप है जो लग चुका है, देखो मेरा मैट्रेस भी बैठ चुका है, बस अपने को अपना स्लीपिंग बैग खोलना है और सो जाना है। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्लीपिंग बैग को ना खोलूँ, ऐसे ही कपड़े डाल के सो जाऊँगा, अगर ठंड लगेगी तो ही स्लीपिंग बैग लूँगा, नहीं लगेगी तो ऐसे ही सो जाऊँगा, क्योंकि कैंप के अंदर वैसे ठंड तो लग नहीं रही है, कोई टेम्परेचर 12-13 डिग्री रहने वाला, और मैंने जो कपड़े हैं वो काफ़ी गर्म ऑलरेडी पहन रखे हैं, और ठंड लगेगी तो एक जैकेट निकाल के और पहन लूँगा, अगर ठंड नहीं लगी तो स्लीपिंग बैग लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्लीपिंग बैग सुबह दोबारा पैक भी करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल सुबह चलेंगे डोली के साथ हम केदार बाबा के दर्शन करने। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी अगली वीडियो में।